अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? आज भी एक बंदी कम है कि दो? वालेकुम जी, कैसी हैं आप? लास्ट क्लास में नहीं थी, वो इतनी लंबी हो गई, उसमें वैसे डिस्कशन ही थी तो वो फिर अपलोड तो वैसे ही नहीं करनी, वो सारी बातें थी तो कल किसी ने कहा कि भेजे जी मैम, सॉरी मेरी ना बुध को क्लास होती है 6 to 9, मगर मैं इंटरफेयर नहीं करना चाह रही थी, एमएस की क्लास होती है जी मैम। बिल्कुल, वो ना उसमें भी ज्यादातर डिस्कशन ही थी तो उस वजह से फिर ये कि कहा भी था, मैं अभी आज भी सोच रही थी वो गूगल ड्राइव में पहले जाएगी और फिर आप लोगों को लिंक जाएगा, तो उसके लिए फिर ड्राइव से मैं अगली डिलीट करूंगी, तो पहले तो आप लोगों ने नहीं कहा कि भेजें, और कल आज मैंने मैसेज देखे वो कल के कहीं, कल मैं बिजी थी, तो मैं इंशाल्लाह फिर वो मुबीन ने कहा मैं फिर आपको वो जो है ना गूगल ड्राइव का लिंक दूंगी, वो अपलोड नहीं करनी, उसमें तो खाली बातें ही है ना। वालेकुम सलाम मैम, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक ठाक। तो आज एक बंदी तो कम है, कोई क्वेश्चन पहले हो फिर आज हम पहले करते हैं वो पढ़ लेते हैं, ये है ना थ्योरी थोड़ी सी पढ़ते हैं और फिर बाद में वो कर लेते हैं, ताकि जो दो तीन लोग नहीं है ना तो वो जो है ना फिर हम उनको मेडिटेशन बाद में करते हैं, वो आज एंगर मैनेजमेंट वाली करते हैं ना, उस दिन रह गई थी कुछ, मैंने लिंक भी भेजा था कि वहाँ से कर लें, वो एक करवाया था मैंने NLP वाले लोगों को, तो वो लिंक मैंने भेजा था कि उसमें से आप लोग कर लें, तो आज मैं आपको करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट जो है वो नूर की करते हैं और उसी की प्रैक्टिस, तो आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की और कुछ कर रहे हैं आप लोग? एक्सपीरियंस चलो बाद में ही कर, क्योंकि जब हम डिस्कशन शुरू करते हैं तो उस दिन भी हमारा 2 घंटे डिस्कशन में ही गया। मैम आप ना आप एडिट कर लेती हैं मैम? नहीं बच्चे कर जी, अच्छा बच्चे करते हैं तो वो यही है कि वो बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग है तो उनके पेपर्स वगैरह चल रहे थे, तो आप क्या करिए एडिट करके अपलोड करें? नहीं मैं ये बोल रही हूँ आपकी ना जो मेडिटेशंस भी बहुत स्ट्रांग है और वो यूजुअली 20-15-30 मिनट्स की होती हैं, ठीक है मैम, तो अगर आपको बिल्कुल माइनर सी एडिटिंग आ जाए ना मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं काफी जैसे मैं खुद एडिटिंग नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, अगर आपको एडिटिंग आ गई जो कि 4-5 मिनट का काम है, अच्छा आपको फायदा ये होगा कि आप अननेसेसरी जो है ना वो चीजें उसमें से निकाल देंगी और जो आपका क्रक्स है ना मैम वो उसमें रहेगा, आपको फायदा हो जाएगा। बल्कि मैं सजेशन ये देना चाह रही थी कि आप मेडिटेशन की अलग प्लेलिस्ट बनाए बजाय इसके कि 2 घंटे का लेक्चर देखा जाए, मेडिटेशन को ढूंढा जाए, ये आपके लिए ना मतलब कोई नई चीज नहीं होगी, इसी में से आपने कुछ निकाल लेना है, जैसे आप शॉर्ट्स निकाल। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो आप बल्कि आपका जो नॉलेज है वो ये मल्टीप्लाई होता है ना, जब मिलके आपसे जो चीज़ें वो मैं सीखूंगी तो मेरे लिए मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, तो उसमें ये है कि आप ठीक कह रही हैं कि वो उन्हीं में से चाहे एक तो ये है ना कि वो अपलोडेड है उनको डाउन दोबारा से वो डिलीट करना, तो वो पढ़ी रहें और उसमें से हम जो एक्सट्रैक्ट करें तो वो खाली जो मेडिटेशन है जैसे ये गाइडेड है उनको एक्सट्रैक्ट करके तो वो अलग से अपलोड कर लें, आप ये कहना। यस यस, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ वो बल्कि आपसे तो ये गुर चीज़ें सीखनी है ना, मैं तो ये तो सिर्फ जैसे जैसे होता रहा क्लासेस लेती रही तो मैं अपलोड करती रही कि मैं कहाँ मैनेज करूँ, तो वो बच्चों को कहती रही अपलोड करें तो वो कुछ इस तरह से हुई है, तो ये आपने अच्छा मशवरा दिया कि ये ज़्यादा बेहतरीन है कि अब मैं उसमें से जो सारी ताकि किसी को देना हो तो वो पूरा लिंक दे दिया, तो वो बंदा yes. वो जो बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये सारी हैं जो मैंने पीछे भी करवाई हैं जो इनर चाइल्ड की थी और ये दूसरी तीसरी ये सारी, थैंक यू। और भी गाइडलाइन आप जो आप तो ज़्यादा आईटी की मतलब कंप्यूटर में तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता है ना, तो आप मुझे बता सकती हैं काफ़ी चीज़ें मैडम? मैं चेक करके ना फिर आपको मतलब जैसे मुझे मैंने साल से नहीं किया, मुझे किसी ने पहली दफ़ा जूम पे गाइड कर दिया था 5-10 मिनट में, अच्छा तो मैं जरा वो चेक कर लूं तो फिर मैं आपको बता दूंगी तरीका, तो 5-10 मिनट की डिस्कशन में वो क्लियर हो जाता है एक वीडियो को आप कैसे एडिट करेंगे, ठीक है मैम? मैम इस वीक में ना मैं भी यही चीज सोच रही थी कि मैं आपको यही चीज बोलूंगी टेलीपैथिकली एक मैसेज जा रहा है नहीं मैं इस वीक में यही सोच रही थी, मेडिटेशन आपकी वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा 2-3 दिन करने के बाद आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत रहती है दोबारा से। बिल्कुल, फिर अब ऐसे करती हूँ जो सारी है ना तो उनको मैं वो पाइल अप करते हैं कि ये सारी जो करवाई हुई है उन सबको एक में करके वो है भी थोड़ी सी और जिस बंदे फौरन से करे बहुत इजी है, 5 मिनट में एडिटिंग हो जाएगी, वैसे अपलोड होते होते ना ऐसे इतनी देर लगती है लेक्चर पूरा।
वैसे तो 5 मिनट में अपलोड हो जाएगी, बहुत इजी है जी, बच्चे करते हैं मेरे वो। मैम मैंने मैम मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सारी ये जो है क्या इसको कहते हैं मेडिटेशन, ये सारी अगर एक ही उसमें आ जाए तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा सुनने में। तो ये मैं यही सारा कुछ सोच रही थी, आज मैं आपको यही कहने वाली थी। सबके देखें देखें सबकी टेलीपैथी एक दूसरे को जा रही है और सबको मैसेज गया और सबने एक ही बात कही, जबरदस्त, ये अच्छी बात है। आप यही करते हैं, ये सारे इकट्ठे करके ना, ताकि आपने बिल्कुल अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट भी होते हैं तो उनको जब मैं ये चीज़ें देती हूँ तो इकट्ठा एक ही चीज़ दे देंगे, कुछ जैसे मैं गूगल ड्राइव से भी कर रही हूँ तो वो सारे एक जगह पे हो जाएंगे, तो वो करने वाले के लिए वो स्टेप बाय स्टेप आसानी रहेगी, तो वो जितना जब भी उसे फुर्सत मिलेगी तो अपने ईजी टाइम पर वो कर लेंगे। ये आपका अच्छा मशवरा, थैंक यू मैम। आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा, अपलोड भी बहुत जल्दी हो जाएगी और मतलब टाइम भी नहीं लगेगा आपका। मैम इसका ये भी मुझे फील हो रहा था ना कि एक डिस्कशन पे पर्सनल भी हो जाती है बहुत सारी, जैसे उनकी हो रही थी उस दिन वो डाइवोर्स वाली बात पे ना, वो तो बिल्कुल ऐसे हर क्लास में उठाते हैं ना, तो इसलिए मैं भी आपको ये कहने वाली थी कि वो मेडिटेशन का पार्ट एक अलग से कट ऑफ होके ना बस उतना ही अपलोड हो जाए तो वो बहुत बेस्ट होगा, फिर उसमें इरिटेशन भी बहुत कम होती है, सारा फोकस मेडिटेशन पे होता है। बिल्कुल नहीं, वो पर्सनल तो है ही नहीं, वो ये जैसे अब नहीं थी क्लास में तो मुझे खुद भी हो रहा था कि इनको किस तरह से भेजूं, लेकिन वो तो थी भी व्हाट्सएप वाले डिस्कशन ही थी, तो इसलिए ना तो उस पर कोई काम किया, वो इसी तरह पढ़ी है, रिकॉर्ड तो हो गई थी। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो काम की चीज़ है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको अपलोड कर दिया जाए, वो लिंक दूसरों को भी मिले, क्योंकि गूगल ड्राइव का भी कितना कैपेसिटी है, उसकी मेमोरी भी है, फिर लैपटॉप की मेमोरी भी है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा ही करते हैं कि जो चाहिए उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके तो कर लेते हैं। तो आज फिर देखते हैं, पहले लेक्चर ले लेते हैं, अब कितने बंदे, आज भी एक दो कम है, आज कान एक वो एक बंदी कम तो है, कौन सी कम है, मुझे लग रहा है कम है ना, कि सारे पूरे नहीं पूरे आज मेरे ख्याल से। तो क्या कहते हैं, पहले हम मेडिटेशन करें या पहले पढ़ें, मैसेज करें जो भी आप चाहते हैं, फिर वही कर लेते हैं। मैम पहले पढ़ लेते हैं, मेडिटेशन लास्ट पे करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन कम होती है तो मेडिटेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है चलें अब देख लें। यस मैम, मेरा भी साथ लंच चल रहा है। लंच चल रहा है कि डिनर चल रहा है? यस मैम मेरा लंच, नो मेरा लंच है, डिनर मेरा लेट नाइट हो रहा है। अच्छा आप लंच रात को करती हैं, लंच सही। अच्छा आज जो पैरासाइकोलॉजी का हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि पैरासाइकोलॉजी उसको साइंस से निकाला, तो साइकोलॉजी एक साइंस है और उसको फिर पैरासाइकोलॉजी में कर दिया, वो थोड़ा सा हमने पिछला थोड़ा सा टेम्परामेंट टूटा क्योंकि बीच में दो क्लासेस तो डिस्कशन में ही चली गई हैं। तो इसमें जो आगे मेरे ख्याल से इससे हम स्टार्ट करते हैं पैरासाइकोलॉजी की, आगे ये तकसीम क्या थी उन्होंने डिवीन की, तो उसमें एक जो साइकोलॉजी का उन दो जो मुख्तलिफ उनके वर्ड्स हैं, ये यूनानी रूफ हैं, उनमें से जो उनका 23वां रूफ है और एक रूफी तज्जी उनका 10वां है, तो उसको उन्होंने नाम PSI जो है उसका 23rd वर्ड है, और जो दूसरा साइकोलॉजी है उसका जो है ना 10वां रूफ है। और इसमें जो दो तरह से इसको उन्होंने डिवीजन किया है कि एक गामा रेज और दूसरा PSI जो लफ्स है उसके लिए साइकोनिक, मैं इसका उर्दू इंग्लिश वाला निकालती हूँ ना, कहाँ गया ज़रा से, ये तो ये जो पैरासाइकोलॉजी की जो एसोसिएशन थी उन्होंने इसको दो कैटेगरी में डिवीजन किया है, उसमें एक गामा रेज है जो कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए, और दूसरा PSI कापा कि जिसको साइकोकाइनेसिस, जो मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बड़ी डिटेल में साथ साथ ये सिर्फ थ्योरी के तौर पे प्रैक्टिकली मैंने बताया कि जो बॉडी से चीज़ों को मूव करते हैं उसके साथ वो काइनेसिस हैं, और जो एक्स्ट्रा सेंसरी हमारी परसेप्शन है जो हमारे थॉट्स में आती हैं वो ESPR हैं। तो ये दो उन्होंने जो यूनानी वर्ड्स हैं उनके लफ्ज़ों से मिलके बने, एक लफ्ज जो मैंने अभी बताया कि वो 23rd ग्रीक वर्ड है जिसको, हालांकि ये देखिए ये जो वर्ड इस
तरह का सिंबल बना हुआ ना, इसको लोग कुछ ये समझते थे कि नहीं ये मुझे खुद चेक किया, क्योंकि मैंने इस जो अपना मेरा पेज है तो उस पर मैंने इस तरह का बनाया था, तो एक बंदे ने मुझे कहा कि ये तो ठीक नहीं है, ये किसी और चीज़ को किसी और चीज़ का सिंबल है। तो बाद में जब मैंने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी तो वो समझ आई कि ये तो वर्ड है जो उन्होंने साइकी के लिए यूज़ किया हुआ, जो माइंड के लिए जो, तो ये दूसरा जो इस तरह का वर्ड है ये भी उनके अल्फ़ाबेट का है, जो कि दसवां, जिस तरह से हमारे ए बी सी या अलफ बेते से ये हमारे अल्फ़ाबेट है, तो इसी तरह से उनके ये लफ्ज़ हैं जिनका ये मीनिंग है। तो ये एक वही आ गया कि जो अपनी जो मेंटल परसेप्शन है उसके लिए यूज़ हो रहा है, और एक जो उसकी बॉडी मूवमेंट्स जो हम करते हैं, अपने आप को ट्रेंड कर लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि ग्लास मूव हो जाते हैं देखने से, कागज़ को आग लग जाती है, कोई ना कोई चीज़ जो आप इतनी अपनी माइंड की ताकत से अपने हाथों को मैसेज देते हैं तो उससे मूव होता है, तो वो काइनेसिस है। अब इससे आगे टाइप्स क्या हैं, जो टेलीपैथी की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उसमें से पहली जो लेटेंट है, रिट्रो कॉग्निटिव, प्री कॉग्निटिव एंड इंट्यूटिव, इमोशनल टेलीपैथी और सुपर कॉन्शियस टेलीपैथी। तो पहली जो सबसे पहली है इसको टेलीपैथी को, जो मतलब इसका मीनिंग है कि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी, चलो आप में से कोई पढ़ लेना उर्दू में, क्योंकि ये मैं जो चीज़ समझानी होगी वो समझाऊंगी, अगर वही वर्ड मैंने पढ़ने तो आप पढ़ लें, कोई चीज़ इसमें से कोई ऐसी हुई तो बताती हूँ, आप में से कोई पढ़ ले, उर्दू में पढ़ना या इंग्लिश में, जी कौन पढ़ेगा, सुन रहे आप में से कोई पढ़े, फिर मैं समझा दूंगी, क्योंकि चीज़ें वही हैं इसमें से कुछ चीज़ें पे। एक टेलीपैथी की किस्में जिसमें पेश भी नहीं है मुस्तकबिल का, ये रिट्रोग्रेड और प्रीग्रेड वो हैं, और इंट्यूटिव ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, और लास्ट वाली नहीं पढ़ी कि सुपर कॉन्शियस जो है वो टेलीपैथी क्या है। कोई नहीं पढ़ रहा, खुद ही एक्सप्लेन कर दूं, आगे चलें फिर। ये जो लेटेंट टेलीपैथी है इसका मतलब ये है कि जो साथ साथ हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं उस उसके वो बयान करती है। जो दूसरी रिट्रोग्रेड और कॉग्निशन का मतलब ये कि जो पेश भी नहीं है, वक्त से माजी का बताना और फ्यूचर का बताना। तो ये चीज़ें भी हम पहले मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंसान जो है अपनी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को लो करता है, जो हम अपनी थॉट्स को कम करते हैं तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कायनात में जो चीज़ें हैं उनके साथ मैच कर जाती है। तो जो हम जैसे हमारे वर्ड्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, ये भी एनर्जी है, तो ये वेस्ट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन का कानून वो एनर्जी का जो लॉ है कि ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना ही एनर्जी ख़त्म की जा सकती है, सिर्फ एक शेप से दूसरी शेप में। जैसे बर्फ़ है तो वो सॉलिड है, उसको गर्म करेंगे तो मेल्ट होके वो पानी बन जाएगी, अगर उसको बहुत ज़्यादा हम करेंगे उबालेंगे तो वो गैस की शक्ल में हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी एनर्जी है तो ना तो वो नए सिरे से बन सकती है ना ही वो ख़त्म होती है, उसकी एक नई शेप बन सकती है। तो उसके तहत हमारे जो माजी की चीज़ें हैं या फ्यूचर में आने वाली, तो वो इसी वो इलम है, तो वो इलम जो है वो इस दुनिया में मौजूद है, इसमें कोई ये किसी दीन या मज़हब से इसका कोई तअल्लुक नहीं है कि हम कहें कि फ्यूचर का तो सिर्फ अल्लाह को पता है, माजी का सिर्फ अल्लाह को पता है, अल्लाह को गैब का इलम पता है। वो जो गैब है, जो अल्लाह ताला ने नसीब हमारे हैं, वो चीज़ें कुछ तकदीरें दो किस्म की हैं, तकदीर मलक है और तकदीर मंबर है। एक तकदीर जो दुआ से बदल सकती है, वो तकदीर अल्लाह ने इंसान के इख्तियार में रखी है कि इंसान खुद को इलम हासिल करे, खुद कोशिश करे और किसी की दुआ से उसकी जो है ना वो नसीब बदलते। एक नसीब है जो पेट है, जिस तरह से ज़िंदगी है, जिस तरह से मौत है और
जिस तरह से रिस्क है ये एक अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। बाकी अल्लाह ताला को पता था कि अल्लाह ताला गैब का इलम कि इंसान अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और अल्लाह को पता था कि इंसान ऐसे करेगा, इसलिए इंसान अल्लाह ताला ने लिखा है। तो अगर अल्लाह ताला ने जो गैब का लिखा है तो अगर इंसान अपनी मेहनत से अपनी कोशिश से अगर वो खुद को चेंज कर ले तो वो अपनी तकदीर भी बदल सकता है कि जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया और जो कि अभी साइंस भी कहती है कि आप जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऐसी चीज़ें, इस पर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट में और अंग्रेज़ों ने इसमें बहुत काम कर लिया और इसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे। और फिर इसमें अल्लामा इकबाल की वो भी शेर इसी में भी कोट होता है कि खुदी को कर बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। तो उसमें भी इसी चीज़ के ऊपर है कि हम अगर अपने अंदर से सारी चीज़ें ख़त्म करके तो एक जो अल्लाह ताला ने हमें नायब बनाया, तो जब हम नायब बनेंगे तो नायब को आधे इख्तियारात हैं, तो फिर हम आधे इख्तियारात का मतलब है कि आधे कुन का अल्लाह ताला ने इंसान को खुद भी इख्तियार दिया है, तो उस इख्तियार के लिए वो फिर हमें नायब बनना है। तो नायब बनने के लिए भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो क्वालिटीज़ वही हैं कि हम अपने शेडोज़ को कम करें, क्योंकि स्ट्रेंथ तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें रखी हैं। तो जब स्ट्रेंथ पे भी काम होगा, स्ट्रेंथ ऑलरेडी है उस पर और काम करेंगे, जो वीकनेस हमारी शेडो है उस पर भी काम करेंगे, तो चीज़ें खुद ब खुद जो है ना वो जो हम चाहेंगे, जो हमारा नायब होने का जो हमारी क्वालिटीज़ हैं या उसको क्राइटेरिया हम उसको फुलफ़िल कर लेंगे तो फिर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए और दूसरा तीसरे नंबर पे आइए इंट्यूटिव टेलीपैथी, किसी फ़र्द के दिमाग की माजी मुस्तकबिल मौजूदा हालात के बारे में मालूमात के दूसरे फ़र्द को मुंतकिल को बयान करती है। मतलब एक हम सी टेलीपैथी का मतलब ही यही है कि हम किसी दूसरे को अपनी सोच उसके दिमाग में मुंतकिल करें, जो काम हम चाहते हैं वो दूसरा करें। अब इसको ज़्यादा पॉजिटिवली जो कि मैं ज़्यादा तौर पे इन्फोर्स करती हूँ वो ये है कि हमने किसी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप को मैनेज करना है या किसी को पॉजिटिव हीलिंग भेजनी है, किसी की बीमारी को दूर करना है, या जो मुस्बत काम चाहते हैं वो उसको करें। क्योंकि जब हम सीखते हुए अगर मैं कोई पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल करती रहूंगी और इंटेंशन और पर्पस करती रहूंगी तो फिर आपके अंदर भी वही चीज जाएगी कि हमने वो टेलीपैथी उस तरीके से ही इस्तेमाल करनी है। तो इंट्यूशन का मतलब है कि उसके अपने दिमाग से ऐसी सोच उभरेगी जैसे उसकी अपनी है। तो ये इंट्यूशन पहले भी बताया कि ये मतलब बाय बर्थ होती है। थोड़ा इसको इन्हेंस कर सकते हैं कि हमें वक्त से पहले पता चल जाए और उसके साथ सॉल्यूशन भी पता चल जाए, तो वो अफार्मेशन के साथ आपके जो इंस्टॉल की जाती है माइंड में हमारे सबकॉन्शियस में, तो वो इंस्टॉल करते हैं और वो इंट्यूटिव जो टेलीपैथी है वो ज़्यादा काम करने लगती है। उसके बाद है सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस हमारे जो लाश हो रहा है ना उसमें भी कॉन्शियस लग जाती है कि हम जो काम भी अब इस दुनिया में कॉन्शियसली तो हम सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें इस दुनिया में बनाया तो ये मेमोरी, जैसे पहले भी मैंने बताई है, कानों की मेमोरी जो है वो 20 सेकेंड है, आँखों की 5 सेकेंड है। तो जो चीज़ जो 22 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड हम ले रहे हैं बाहर से, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन से वो कुछ सेकेंड के लिए वहाँ पे हमारे जो फिल्टर लगे हुए उनसे फिल्टर होती है और उसके बाद सब कॉन्शियस में चली जाती है। जो रात को भी हम जब सोते हैं तो ये फाइलें जो सारी अरेंज होती हैं तो वो जो ज़रूरत की होती हैं वो हमारे सब कॉन्शियस में रिटर्न होती हैं, जो कुछ चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती वो डिलीट कर देते, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा हमारा इंफॉर्मेशन जा रही होती है 5 सेंसेस के साथ, तो वो वहाँ पे जो हम फिर रिट्रीव करके लेके आते हैं, जो हम सब कॉन्शियसली हैं कि हमारी वर्किंग मेमोरी ये करती है कि जब जब ज़रूरत होती है तो हमारे सब कॉन्शियस से आता है। तो उसमें भी कॉन्शियस लग जाना, वो कॉन्शियस ऐसे ही लगती है कि जब हमारी फालतू सोचें ख़त्म होती हैं, जब हमें अपना पता होता है कि मैं क्यों और कैसे ये काम कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जब हमें पता चल जाती हैं तो उस जगह पे जो कि सुपर कॉन्शियस वाली वो जगह होती है, जो कि मेडिटेटर रूहानियत वाले जो कि अल्लाह ताला के वली लोग होते हैं, जो कि जिनको पता होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, जो मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया कि वो मीडियम बन जाते हैं, वो अल्लाह ताला से लेते हैं, वो अल्लाह ताला की सारी जो एनर्जी अल्लाह ताला ने वो देनी है इंसान को वो उससे लेते हैं और लोगों में बांटते हैं।
उनका अपनी ज़ात अपनी मीडियम ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर जो जो आम इंसानों के अंदर चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, जो मेडिटेटर भी होते हैं। तो आप भी ज़रा अपने आप को जितना आगे लेके जाना चाहते हैं तो उसमें फिर सुपर कॉन्शियस में भी जा सकते हैं। उसके लिए यही है कि आप बार बार मेडिटेशन करें और अपने फ्लॉज़ को ख़त्म, मेडिटेशन के दौरान ख़ुद ब खुद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, वो ख़ुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जाती हैं, टाइम लगता है। और ये तो मैंने साथ साथ आपको इसीलिए कुछ जो हमारे शेडोज़ हैं उनको कम करने के लिए मेडिटेशन जो गाइडेड आपको करवाई हैं और करवाती भी हूँ, जिसमें पीछे भी हुई हैं, आज भी एक मेडिटेशन है जिसमें एंगर कंट्रोल है, तो ये हमारे शेडो साइड को ही कम कर रहे हैं। तो ये वक्त के साथ साथ जो अफॉर्मेशन आपके चली गई हैं, तो अब टाइम के साथ खुद ब खुद आपको याद भी नहीं रहेगा, आपको समझ भी नहीं आएगी कि आप स्लोली स्लोली कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब जो दूसरी टाइप्स हैं वो क्या क्या टाइप्स हैं, उसमें ये इननेट, वो इंस्टिंक्टिव इंट्यूटिव जो टेलीपैथी वो है, नंबर टू पे मेंटल टेलीपैथी है, नंबर थ्री पे है ड्रीम टेलीपैथी। तो ये सारी टेलीपैथी को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं। रूहानी टेलीपैथी, चलें आप में से कोई पढ़े, अब मुझे लग रहा मैं अकेली पढ़ रही हूँ ना, आप में से कोई पढ़े ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। कौन पढ़ेगा? अच्छा, ये भी बड़ी डिटेल में वो जो ये हम तो इन चीज़ों को मानते भी नहीं है ना, जो चक्राज है, तो ये थोड़ा सा ज़ाहिर है उन्हीं चीज़ों पे बेस है कि सोलर प्लेक्सिस कौन सा है, जो हमारे जो नाफ के गिर्द चक्रा होता है। हम तो बीच वाले लोग हैं ना, तो हमें ज़्यादा दूसरे जो इस्लामी बता रहे हैं कि वो हमारे लताइफ होते हैं, वो भी हमें सही नहीं पता, और ना हम इन पे ज़्यादा चीज़ों पे वो ट्रस्ट करते। तो वैसे तो जो चक्राज हैं उनके मुख्तलिफ मकाम हैं, फिर ये जो रूहानी टेलीपैथी है इस पे उन्होंने ये बताया कि ये जो टेलीपैथी है जो अच्छा चक्रास का ये है कि ये जो वैसे चक्रास की मेडिटेशन और इन चीज़ों को जो मानते हैं तो वो सारे चक्रास को अलग अलग से उनको क्लीन करते हैं। वैसे मैंने आपके ओरा एक्टिवेशन के इसी तरीके से मुख्तलिफ जो सेवन चक्रास हैं उन सेवन चक्रास को उनकी अलग अलग से मेडिटेशन है, फिर उनके साथ जो भी प्रॉब्लम जुड़े हैं तो अगर इंसान के साथ कुछ ऐसा है तो वो फिर वो क्लियर करते हैं कि किसी का सोलर चक्रा ब्लॉक है, किसी का सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, किसी का सोल चक्रा ब्लॉक है, तो वो तो ज़ाहिर है वो अलग डिटेल चीज़ें आ जाती है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये चीज़ें समझें कि अगर आप वो भी पढ़ी हुई हैं कि अगर आपने उस तरह की मेडिटेशन भी करनी है तो वो यूट्यूब पे भी लोगों काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं कि उन तरह से अपने चक्रास को क्लीन करें, वैसे इसी तरीके से ही आपके काफ़ी जो हमारे हम इंसानों के अंदर फ्लॉज होते हैं तो इन गाइडेड मेडिटेशन से ही क्लियर हो जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं। इस मरकज़ से तल्लुक़, क्योंकि ये दूसरे तमाम आलात या मराकज़ ये वही चीज़ें बताई हुई हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जो चक्रास हैं उनको क्लीन करें, वो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने जो मेडिटेशन क्रिएट की हुई हैं वो इस तरह की हैं। अब मेंटल टेलीपैथी जो है इसको इन्होंने कहा कि इसका जो सेंटर है वो थ्रोट चक्रा है, तो इसमें मेंटल टेलीपैथी होती है, तो इसी वजह से जो ये मतलब रिलेटेड हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन सारी इसी बेस पे कर दी है कि आपके जब ओरा एक्टिवेशन हो चुकी होगी तो जितनी टेलीपैथी हैं वो अच्छे से काम करेंगी। अब सोलर प्रेक्सी वाली वाली भी काम करेगी, वो है वो जैसे पिछली टेलीपैथी का नाम रूहानी टेलीपैथी थी, ये वाली है मेंटल टेलीपैथी। तो ये सारी आप कर सकेंगे कि जो आपके चक्रास जो है ना वो ठीक मतलब एक्टिवेट हो चुके हैं। ये देखें हलक का मरकज बुनियादी तौर पर इसमें शामिल है जहां ज़ेहनी टेलीपैथी का तल्लक है, कभी कभी दिल की थोड़ी सी सरगर्मी भी होती है, और हमेशा सोलर प्रेक्सिस रद्द अमल का एक पैमाना, सोलर प्रेक्सिस जो नेवल के गिर्द है वो है, और ये जो है ये थ्रोट चक्र है,
ज़ेनी टेलीपैथी के लिए थ्रोट, इसलिए हमारा मसला अक्सर कम्युनिकेटर गले के मरकज के ज़रिए पैगाम भेजेगा और वसूल गिंदा फिर भी सोलर प्रैक्सिस इस्तेमाल करेगा। ये सब ज़्यादा आम तरीका है, सबसे ज़्यादा आम तरीका है, और मैं आपसे कहूँगी कि इसे याद रखें। पैगाम भेजने में शामिल हो सकता है और अक्सर शागिर्दों के सिलसिले में होता है गले का मरकज, लेकिन वसूल गिंदा शायद सोलर प्रैक्सिस सेंटर का इस्तेमाल करेगा। हलक का मरकज तमाम तख्लीकी कामों का मरकज बराबरी की उम्दा या दरमियानी हसीयत है, ताहम दिल और हलक को बिलाखर तरकीब में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैंने इसकी वजह पहले इन अल्फाज में बयान की थी। सिर्फ दिल के मरकज से ही दर हकीकत तवानाई की वो लकीरें निकल सकती हैं जो आपस में जुड़ी और बंधी रहती हैं। यही वजह थी कि मैंने कुछ मराकबा मकरर किए जो दिल के मरकज को मुतहरक करते हैं। एक्शन, दिल के मरकज कंधों के ब्लेड के दरमियान को सर के मरकज से जोड़ते हुए दिल के मरकज से आला खत उकताबत के ज़रिए सर के मरकज, ये सारी चीज़ें चक्रास के थ्रू यूँ समझ लें कि हमारे पूरे जिस्म में नर्व प्लेक्सिस हैं। आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और सबको ये चीज़ें अपनी बॉडी की जो एनाटमी और फिजियोलॉजी का पता है और कुछ हद तक न्यूरोलॉजी का भी पता है। तो हमारे पूरे जिस्म में जो नर्व प्लेक्सिस हैं जो के मैसेज लेके आ रही हैं और जा रही हैं, तो वो सारे नर्व प्लेक्सिस जो हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जो हमारी जो इतनी लाइफ गुजरती है तो कोई ना कोई अगर ब्लॉकेज हुई हुई है जिसको ओरा ब्लॉकेज कह रहे हैं, या हमारे किसी के साथ जो हसद है गीबत, वो जो ब्लैक मैंने कहा कि शेडो हमारा, उस सारे को जब हम क्लियर कर लेते हैं तो ये हमारे मैसेज लेने और देने के जो सिस्टम है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप गाइडेड भी हो चुकी है, उसके लिए आपको दूसरी सिंपल मेडिटेशन भी बताई हुई है और कुछ चीज़ें जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं, तो अब आपकी ये जो दूसरी टेलीपैथी है, पहली है, तीसरी ड्रीम है, मेंटल है, इंट्यूटिव है, रूहानी है, वो सारी काम करेगी। इन सब के लिए देखें इसमें डिटेल में यही चीज़ें बताई हुई हैं कि हमने इन चीज़ों को क्लियर करना है, तो वो क्लियर माशाल्लाह काफ़ी हद तक हो भी चुकी हैं और बाकी जो आप रह भी गया तो अपना प्रैक्टिस मेडिटेशन में ही रखें। इसका होल से चीज़ें यही हैं कि आपकी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मेडिटेशन करते रहें और अपनी थॉट्स को प्योर करें, क्लीन करें और कम से कम थॉट्स हों, तो आपका ये जो भेजने का और रिसीव करने का काम जो है वो तेज़ हो जाएगा। इंट्यूटिव टेलीपैथी, इसको ये भी एक जो है ना टेलीपैथी शागिर्दी की राह में पेशरफ्त में से एक है। ये हकीकी मराकबा के सम्राट में से एक है। इसमें शामिल इलाका सर और गला है और तीन मराकज जिनको इस अमल में फाल बनाया जाएगा वो हेड सेंटर हैं जो आला ज़राए से तासरात को कबूल करता है और इन मराकज जो मसाली वजदान के तासरात को वसूल किंदा है। ये कितनी मुश्किल उर्दू है ना। अच्छा, जिस तरह से ये बता रहे हैं, जिस तरह से एक हमारी बिजली का ट्रांसफार्मर होता है ना, तो वो वहाँ से रिसीव, उसके सिग्नल रिसीव होते हैं, फिर आगे भी बिजली ट्रांसमिट होती है। इसी तरीके से हमारे जिस्म में जो सेंटर्स हैं ना, तो ये मुख्तलिफ सेंटर हैं, उनमें से हम जो मैसेज रिसीव करते हैं वो सारी हमारी वायर जो हमारे बॉडी में है, मुख्तलिफ सेंटर बताएं, गले का सेंटर, दिमाग के ऊपर जो सेंटर है जिसको क्राउन चक्रा कहते हैं, इन सारे सेंटर्स का जो मैसेज रिसीव होता है और मैसेज जाता है, ये डिटेल इन चीज़ों की है। तो वो सारी ज़्यादा हमने अपने आप को क्लीन करना और इन चीज़ों को मैसेज को रिसीव करना और भेजना है। ये मतलब ये ज़्यादातर ये फ़लसफ़ा मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदुइज्म में और बुद्धिज़्म में है, हमारे यहाँ लताइफ हैं। आप अपने तौर पे बेसिक चीज़ है कि ये तो थ्योरी, हमने जो प्रैक्टिकल सीखना, हमने जो प्रैक्टिकल करना, उस प्रैक्टिकल के लिए हमने अपना तरीका यूज़ करना है, जो हमने स्किल यूज़ करनी है कि अपनी सोचों को कम करना, मेडिटेशन करना, और जो हीलिंग या किसी को मैसेज भेजना है तो उसको ऐसे ही मैसेज उभरेगा जिस तरह से उसका अपना ख्याल है। तो बाकी तो ये थ्योरी है कि हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में क्या मैम, जब
मैम जब हम लोग मतलब टेलीपैथी की दो लिमिट है ना, लोअर और अपर लिमिट, लोअर लिमिट में तो जब हम लोग मैसेज सेंड कर देते हैं किसी को, वो उस पे अमल करता है या नहीं करता, लेकिन उसको रिसीव हो जाती है वो चीज, और इसमें हम लोग थॉट रीड भी कर लेते हैं सामने वाले की। लेकिन जो अपर लिमिट है उसमें मतलब हम लोग बियॉन्ड जाते हैं ना, मतलब कितनी सारी चीजों के, तो मतलब उस इन दोनों की जो मेडिटेशन होती है वो डिफरेंट होती है, या लोअर लिमिट को ही प्रैक्टिस करके, वही मेडिटेशन को प्रैक्टिस करके, या वो मैसेज सेंड और रिसीव करने की पावर को प्रैक्टिस करके अपर लिमिट तक जाया जाता है? यही प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस से होगा। और मैसेज जब किसी को चला गया और आपने कितना स्ट्रॉन्गली भेजा और कितने टाइम के लिए बार बार भेजे जा रही हैं, एक दफ़ा किसी को आपने ये कह दिया कि आप ये कर रहे हो, और उस बंदे वो बेचैन रहेगा, और उस वक्त तक के जब तक वो करना ले उसको लगेगा कि ये उसने अपनी, उसकी अपनी सोच है, और इसकी आप एक दफा प्रैक्टिस। मैम फॉर एग्जांपल, मैम फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को मैसेज सेंड कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी को ये कह रही हूँ कि अभी मैं यहाँ बैठू तो मुझे पानी चाहिए, तो मैं उठना नहीं चाह रही ना, तो मैं ये मैसेज सेंड कर देती हूँ मम्मा को या किसी और को ना कि मुझे पानी दे दो, तो मतलब मैं उसको ये कह देती हूँ कि आप मुझे पानी दे दो ना। अब उस मैसेज से हो सकता है वो उस टाइम बहुत बिजी हो या कॉन्शियस लेवल पे हो, उसे मैसेज रिसीव नहीं हो, तो मतलब मैसेज रिसीव हो लेकिन वो कंडीशन में नहीं हो ना, उसे बाद में रिसीव हो, तो मतलब इसको सेंड करने का प्रोसेस क्या होगा? मैं जुबान से बोलूंगी इमेजिन करके, या वो मैं वन टू वन इमेजेस में मतलब पानी ये वो हर चीज का इमेज डेवलप करूंगी माइंड में? ये आप वन टू वन, ये अपनी आपकी जितनी जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, शुरू में तो ज़्यादा आप पानी का इमेजिन करेंगी, वो पूरी उसका टेस्ट वो सारी चीज़ आएगी, वो पानी आप उसको पहले आप ये उसकी वो जो अपना टेस्ट स्मेल सारी आ गई ना, आपको पता चल गया कि अभी आप पानी को विजुलाइज कर रही हैं, आप वो पहले पानी भेजेंगे, फिर उसको ये मैसेज करेंगे, उसको कहें कि आप मुझे पानी दे रहे हैं, आप मुझे पानी दे रहे हो, आप इस पर ट्रस्ट आप करके देखें। जिस बंदे को आपने कहा अगर आपके सामने नहीं है, दूसरे रूम में भी है, वो आपके पास चल के आएगा कि आपको काम है, आपको पानी चाहिए, आपने मुझसे पानी मांगा है, ये आप एक्सपीरियंस करें। ऐसी चीज़ें होती हैं, और आप दूसरों को, दूसरे भी शायद कर रहे हो, अगर नहीं किए तो आप करके देखें, और ऐसा होता है जब आपकी अपनी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, तो उसकी जब भी फ्रिक्वेंसी कम होगी वो रिसीव कर लेगा, तो वो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद भी होती है। अगर करीब करीब बंदे जिनके दरमियान बाउंड है, जैसे आप उस दिन भी कह रही थी कि बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ तो बाउंड बना होता है, वो उठ के आते हैं, ऐसा होता है, और मैं तो बड़ी दफ़ा एक्सपीरियंस करती हूँ ऐसी चीज़ें कि जो मैं सोच रही होती हूँ वो बंदा आके कह देता है, और आपको भी होगा। और इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा, मेडिटेशन आप जितनी भी करें, जितना आपने अपने दिमाग को ट्रेंड कर लिया, अपनी बॉडी को कर लिया, जितनी देर के लिए आप अपने आप को अल्फा में रखने की आदी हो गई, जो मैंने आपको कहा था कि ये एक पैटर्न बनता है, वो एक रास्ता बन गया, तो उतनी जल्दी आप जाएंगी। बाकी सिंबल है कि सिंबल इसलिए है कि जब आप कोई चीज़ जैसे पानी के बारे में सोच रही हैं, तो दिमाग के में एक पिक्चर उभरी, तो वो जो पिक्चर उभरी है तो वो इसका मतलब है कि दिमाग थोड़ी देर के लिए अल्फा में गया, क्योंकि कोई चीज सोचते हैं तो उस वक्त अल्फा में जाने की कितनी किस किस टाइम जाते हैं वो सारी मैंने आपको मुख्तलिफ टाइम पे बताई हैं कि किस किस टाइम पे जाते हैं, तो वो इंसान खुद जब हम अल्फा में जाते हैं तो उस वो फौरन हम दूसरे को विजुलाइज करके भेजते हैं, तो दूसरा भी हो सकता है। अगर जब बच्चे, जैसे मैं बच्चों की मिसाल दूं या बहन भाइयों की घर में, तो कोई जिस वक्त अगर टीवी देख रहा है या स्टडी में बिजी है, तो वो उस वक्त भी थोड़ी देर के लिए अल्फा में होते हैं, बार बार हम डिप करते हैं, अब उस वक्त साथ ही भेज के रिजल्ट चेक करें, फिर उससे पूछें कि अभी आप क्या सोच रही थी। आप जैसे यहाँ पे आज रहीला आई, अभी उन्होंने वो आई तो थी, हाँ ये है यहाँ पे जी, बताया शेयर किया इनका फलसा, वो थोड़ा सा क्लियर करें, जो आपने आपके बच्ची टीवी देख रही थी तो आपने इस चीज को चेक किया जी, वो टीवी देख रही थी, बड़ा कॉन्शियसली टीवी में इन्वॉल्व थी, तो उस टाइम पे मैंने उसे ये मैसेज भेजा था कि बस अब तुम कल से अपनी स्टडी करोगी और बड़ा दिल लगा के अपना पढ़ोगी और सही तरह से ना कल से पढ़ना शुरू कर दोगी, बस यही वाला मैसेज भेजा। उसके बाद फिर मैंने उसे पूछा कि अभी तुम क्या सोच रही थी, उसने कहा मैं यही सोच रही थी बस कल से मैंने ना सही तरह से पढ़ना शुरू कर देना, बाकी सारे काम छोड़ देने हैं फालतू। तो उस टाइम मुझे हुआ कि ये जो मैंने अल्फाज कहे वही उसने बोल दिए।
आप देखे ना कि इन्होंने ये चेक भी किया, कंफर्म किया, ये कह रही है कि मैंने ये कंफर्म किया कि मैंने जो इसे भेजा क्या देखो वही अल्फाज वापस हो रहे हैं और इनको वही अल्फाज मिले। तो आप भी ये बस आपकी प्रैक्टिस है, ये हर पर्सन की अपनी अलग से प्रैक्टिस है, अलग से इनकी और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, लेकिन आप सब ने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके देखना है कि ये काम का ये अब तक कर रही हैं और ये रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ ये अपनी शेयर कर रही होती है मेरे साथ कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने ये कुछ दिन पहले इन्होंने अपने कहा था बेटी को वो, बल्कि दूसरा भी इन्होंने आज ही शेयर किया था कि बच्ची को वो पेन होती थी बैक एक, तो इन्होंने उसको करवाई एक्सरसाइज और साथ मैसेज दिया, तो वो काफ़ी अरसे की पेन थी, वो ये बता रही थी, वो भी थोड़ा शेयर कर दें इनके साथ, थोड़ा इनको भी वो ये होता है कि शेयरिंग से काफ़ी दूसरे को ट्रस्ट डेवलप होता है कि ये चीज़ें। बिल्कुल, वो तो आज मैं इतनी खुश थी और मैं मैम को बता रही थी कि मैम देखें ये काम भी हो गया है, कि उसको इतनी ज़्यादा वो ना बैक में हाँ पेन रहता था, तो बस यही उसको मैसेज दिया उसकी पेन का कि अब ये ठीक है, और यही उसको बताया कि बस अब तुम ठीक हो जाओगी, अभी तुम्हें कल से ये पेन नहीं होगा। तो उसके सब कॉन्शियस में जैसे ही ये मैसेज गया और वो मॉर्निंग में वही रिजल्ट है कि मम्मा मेरा पेन ठीक हो गया, कि वो दर्द ने उसको छोड़ दिया ना, उसको दिमागी तौर पर उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मम्मा ने कह दिया तो अब मेरा पेन ठीक है, तो वो वाकई ठीक हो गई। बिल्कुल, हालांकि उस डॉक्टर के पास भी गए थे, इसको दिखाया भी है, कैल्शियम दी थी, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, वो भी ये टेलीपैथी से ही मैंने थोड़ा सीख के तो ये चीजें अप्लाई कर रही है ना, कि करके तो इनको ये होता कि अभी मैं अपना रिजल्ट बताऊंगी, ये तो मेरा ये काम कर रहा है। इनको रोजाना इनको ये नया कोई ना कोई तजर्बा करके बता रही होती है कि मैंने अपने ऊपर ये किया। अब ये इन्होंने कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे ये भी बताया, आपका मैं सवाल सुनती हूँ, कि इन्होंने ये कहा कि मुझे, मैं कोई चीज़ अगर खाना चाहती हूँ तो मुझे उसकी ना पहले से ही स्मेल से ही पेट भर जाता है, वो वाला भी बताएं इनको ज़रा। तो ये भी एक स्टेज आती है ना कि वो आपको पहले ही वो टेस्ट और वो सारी चीज़ें वो फील होना शुरू हो जाती हैं, तो यही है कि जब वो चीज़ें फील होती हैं तो आप जो है इसका मतलब है कि वो चीज़ महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ बन चुके हैं। ये कहती है फिर मुझे खाने की भी ज़रूरत नहीं रहती कि मैं पहले से मेरा पेट भर जाता है कि मैं अगर कोई भी चीज़ सोचती हूँ तो। जी, ये भी मैंने मैम को बताया था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये भी नोट कर रही थी कि ये चीज़ भी हो रही है ना, जैसे मैं चाय की बहुत ज़्यादा चाय बहुत पीती थी मैं, दिन में तकरीबन 3-4 कप तो मैंने पीने ही होते थे, तो ये भी चीज़ ऐसे हो गई, अब चाहे मुझे चाय मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता ना, अब ये कैसे किस तरह हुआ, बस मैं ये जब सीख रही हूँ चीज़ें और जब सोचती हूँ कि हाँ मैंने अपनी ये हैबिट जो है ख़त्म करनी है, ये हैबिट मैंने जो है इसको मैंने अपनाना है, ये चीज मैंने छोड़नी है, तो वो उसी तरह से चीजें हो रही हैं। अगर मैं चाह रही थी कि मैं चाय छोड़ दूं, बस मैंने सोचा है और अपने आप को मैसेज दिया है, जैसे मैं अपने बच्चों को मैसेज दे रही थी ऐसे ही मैंने अपने आप को मैसेज दिया, वो दिन और आज का दिन मेरी चाय की तलब खत्म हो गई। इसी तरह से जो मैंने करना है वो मैं अपने आप को मैसेज दे लूं तो मैं वो भी कर लेती हूँ। इवन के मेरे पास मेड थी, मेरे सारे काम मेड करती थी, फिर एक टाइम वो आया कि मुझे मेड की तलब भी, मेड की जरूरत भी नहीं महसूस होती थी, कि मेड हो या ना हो अल्लाह ताला ने टाइम में भी बरकत रख दी और कुछ मैंने अपने आप को मैसेज दिए कि नहीं ये कोई मुश्किल काम नहीं है मैं कर लूंगी, और मैं कहती हूँ मैं सब कुछ ही मेरे लिए पॉसिबल है और ये सारा मैम की बदौलत है, अल्लाह ताला इनके लिए बहुत आसानियां करे, इन्होंने मुझे बहुत सिखा दी है। बस इनको, थैंक यू मैम, इनको अपने सब कॉन्शियस पे कंट्रोल हो गया है। ये जो मैंने क्या कहा था कि सुपर कॉन्शियस, कि इनको अपने सब कॉन्शियस में जो चाहिए ये मैसेज देती हैं, ये अपना काम कर लेती हैं। ये डे बाय डे जो मैंने आप भी आपने ये समन ने पूछा था कि जो अपर लेवल और लोअर लेवल के लिए, तो डे बाय डे इनका जो है ना वो अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। इनको अपने देखे, ये कहा जाता है ना कि इस दिमाग को कंट्रोल कर लो इससे पहले कि ये आपको कंट्रोल करे। अब आज भी मैं इनको रोज़ कहती हूँ कि अब आप इंजॉय करें, अब खुद ही अपनी लिखें, अपना काम अपने ऊपर अप्लाई करें, दूसरों पर करें, अब आपको टूल मिल गया अपने ऊपर काम करने का। मैं अपने
ना तो मतलब मुझे लाइक ये होता है कि मैं मैसेज सेंड करती हूँ और अगला बंदा मैसेज से डिस्टर्ब होता है, लेकिन अभी मेरी वो लेवल नहीं आया करना कि मतलब लोअर लेवल से भी अभी मैं लोअर हूँ कि मतलब वो जो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल होता है ना, लाइक मतलब मैंने फर्स्ट मैसेज अपनी मम्मा को दिया था तो वो नींद में थी, मुझे पता था वो नींद में थी, मुझे सरजफे की बात भी याद थी कि जब कोई बंदा नींद में होता है ना तो वो ट्रांस स्टेज में होता है तो वहां पे पॉसिबल नहीं होता कि वो आपके मैसेज को रिसीव करे ना, तो मैंने मैसेज ना फुल कंसंट्रेशन के साथ सेंड किया बस देखने के लिए ना, तो मैंने वैसे ही देखा जैसे वो बिहेव करती है मेरे साथ या जैसे बात करती है ना, तो मैंने कहा कि मुझे पानी लेके जाओ ना, तो वो उठ के आ गई, आके मुझे कहती तुम पढ़ रही हो, मैंने कहा ठीक, कहती कितनी देर है, तो मैंने कहा बस खत्म होने वाला है कुछ देर में आते, मैंने कहा मेरे लिए पानी नहीं लेके आई, तो कहती मैं ला दूं, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आप करने के आई थी, कहती मैं वैसे देखने आई थी, तो फिर वो चली गई, तो फिर मैंने ऐसे एक तो और लोगों पे किया ना, तो अभी मतलब मेरा दिल कहता है कि कोई ऐसा पर्सन हो ना जिसको मतलब जो मेरे साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करे इस चीज की कि मतलब वो मुझे करे या मैं उसको करूँ ना, तो मुझे कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिल रहा। ये आपने जो आपका तो रिजल्ट अच्छा आया ना, आप ये नहीं समझ रही हैं कि आपकी मामा उठ के आई हैं, तो वो कैसे आई हैं, वो आपके मैसेज से आई हैं, अब आप ऐसे जा रही हैं कि जिस तरह से हम किसी को कहते हैं हेलो अगला कहे हाउ आर यू, ऐसे नहीं है टेलीपैथी की, बिल्कुल हम टेलीफोन की तरह थ्रू होंगे, हमारे मैसेज जा रहे हैं, अब देखें वो उठ के आ लेवल है, ये जैसे आप कह रही है ना कि वो टेलीफोन के थ्रू जैसे हम कहते हैं कि अगला बंदा क्वेश्चन आंसर ये वाला करता है, तो अपर लेवल तो यही है ना, तो वो उसके लिए खुद रखा हुआ माइंड में, ये बात आपने रखी हुई अपर लोर की, कोई अपर लोर नहीं, आप स्टार्ट कर दे, आप अपने माइंड में जिस दिन कह दिया कि मुझे अपने पर ट्रस्ट करना है ना, पहले दिन से मैंने आपको इतना बूस्ट किया कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, आप अपने पर ट्रस्ट करें, आप काम करें, जब हम असल में भेजने लगते हैं तो अपने ऊपर ही डाउट स्टार्ट हो जाता है, वो स्ट्रेस एक्टिव वो जो हमारा फ्लाइट और फाइट मोड लग जाता है, तो फिर उसमें तो नहीं जाएगा ना, हमारा मोड हमने लगाना अल्फा, तो वो जब स्ट्रेस वाला मोड लग गया तो वो तो ब्रेन फ्रिक्वेंसी स्ट्रेस में कितनी तेज होती है, तो फिर तो ना भेजा गया ना रिसीव किया गया, ये आप अपने पर पहले ट्रस्ट करें कि आपको सब आता है, आपका काम है, जितनी आप देखें इस चीज को इस्तेमाल करती जाएंगी तो उसमें आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, आप अगर ड्राइविंग की करें, मैंने ये बताया कि देखें पहले आप स्लो गाड़ी चलाते हैं, ज़रा डर डर के चलाते हैं, फिर आप देखें मोटरवे पे आप 120 की स्पीड में भी जा रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस है ना, तो वो उसको अपर और लोअर आप कहें ही ना, आप क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ फंस रही है। मैम मैंने पूछना था कि ना क्लास में कि अगर कोई भी विलिंग है ना मेरे साथ करने को इस चीज को, कि मतलब वो जैसे थॉट रीडिंग का भी होता है, तो फिर मैं उसके साथ मिलकर ना इस प्रैक्टिस को लेके चलूंगी, अगर कार्ड बनाने के लिए तो वो कार्ड बना के भी तो करें ना, उसमें भी करें ये भी करें, और ये मैसेज आपका रिसीव हुआ आपकी मामा को, और दूसरा आपका पॉइंट मैंने वो आपको ये इधर से कोई जवाब दे देगा कि वो मिलके आप लोग करना चाहते हो। दूसरी बात जो आपने कही है कि सोते में बंदे को मैसेज नहीं रिसीव होता, सोते में ज़्यादा होता है, अगर वो आप ऐसा करें कि वो बैठी आप थोड़ा सा हल्की हल्की आवाज़ में थोड़ा उनको बोलें, एक तो आप भेज रही हैं इमेजिनरी तौर पर भी जो हम वैसे टेलीपैथी का तरीका, दूसरा अगर ये वो हिप्नोटिक का है, जब बंदा सोया हुआ है ना आप इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप उन्हें कहें जो चाहिए कि जिस तरह अगर कोई मैरिड है आप उनको कोई सूट चाहिए, या कोई उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर जब अपने मियाँ को पास बैठ के कहें कि मैं आपकी ज़िंदगी के लिए सेहत के लिए दुआ मांग रही हूँ आप मुझे कल, वो क्योंकि अगर वो हल्की हल्की आवाज़ से वो जाग भी जाते हैं उनकी आँख खुल जाती है तो उनको लगे कि आप कहें कि मैं आपके लिए दुआएँ कर रही थी, तो उसमें ये है मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आप उनको कहें जो चीज़ चाहिए कि आप मुझे एक सूट लेके दें, आप देखेंगे दूसरे दिन आप वेट करें उनकी बेचैनी चेक करें, वो कहेंगे चलो बाज़ार चलते हैं, चलो वो आपको वो चीज़ दिलवाएंगे, मतलब एक मिसाल दी है, तो अगर आपकी ने अपनी अम्मी को पास बैठ के आप उनको कह रही हैं कि मुझे पानी चाहिए मुझे, तो वो जब जागेंगी ना जब भी उठेंगी तो वो ज़ारा उठ के वो देंगी, अभी आपने जैसे कहा कि उन्होंने उठ के आई हैं तो वो इम्प्लीमेंट होगा। आप अच्छा थोड़ा सा एक और काम करें ना, आप एकदम तो ना कहें कि आपको उसी वक्त जो चीज़ चाहिए, तो ये तो फिर बड़ा आपने माहौल ही कंजस्टेड कर दिया ना कि अभी रिप्लाई आए, वो एक तो वो सोई हुई हैं, दूसरा आप थोड़ा टाइम रखें ना कि वो जैसे ये कह रही हैं कि सुबह उठ के आप देखें, रात को आप मैसेज दें सुबह उठ के उनकी थॉट चेक करें, अब अगर वो जो आपने भेजी थी वही सुबह वो बोल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो तो बिल्कुल आप सक्सेस हो गई, थोड़ा टाइम नहीं मैम
बहुत अमेज हो गई थी कि मतलब मैंने देखा ना कि आंखें नींद से भरी हुई थी और मतलब वो एकदम से बस आ गई 5 मिनट के अंदर अंदर ना, तो मैं बहुत अमेज। तो ये तो अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आपका ये काम किया, ये तो बहुत अच्छा, आपका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा जा रहा है, तो साथ लिखती जाएं और करते जाएं। तो ये टेलीपैथी है। दूसरा ये मुख्तलिफ बताया कि जिस तरह से हमारी ये टेलीग्राफी काम कर रही है, जिस तरह से हमारे टेलीफोन काम कर रहे हैं, या बदनी टेली, ये सारी टेलीपैथी को समझाने का मतलब ये है कि वेव्स ये हमारी लहरों का कानून है, जिसकी वजह से एक जैसे नंबर मिलवाते हैं, एक जैसे नंबर, एक जैसी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वो इम्प्लीमेंट होता है। तो इसी तरीके से ये टेलीपैथी भी है कि जब हमारी दिमागी लहरें जो कायनात में जो बाकी चीज़ें हैं जो पहुंचाने वाले हैं, जिस तरह से दरख्त हैं, जिस तरह से ज़मीन, हवाएं, ये सारी चीज़ें, या ये फल सेब का भी जब हम सोचते हैं, तो ये जब हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग की इनके साथ मिलती है तो ये पैगाम रसानी का काम करते हैं। अब देखें जिस तरह टीवी की जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो हमारे घरों में टीवी चल रहा है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो ये भी एक सारा लहरों का कानून है जो कि एक दूसरे को मुंतकिल हो रहा है। तो अगर हम ये भी कहें कि हम ज़ात का भी इसमें कॉन्सेप्ट डाल दें कि इंसान, हम जो मुसलमान हैं हम कहते हैं कि एक इंसान का हम ज़ात भी है, कि जब कोई किसी से मिलते हैं तो हम ज़ात पहले मिल लेता, वो एक दूसरे से, जो यूँ कहें कि हमारी जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को पहले, हमारे वर्ड से पहले हमारी लहरें एक दूसरे से बातें करती हैं। तो अक्सर हम जो, हम पहले भी इस बात पे मैं कर चुकी हूँ आप लोगों से डिस्कशन, कि जो हमारी कमज़ोरी होती है तो दूसरा बंदा स्टार्ट ही वहीं से लेता है। तो रूहानियत में इस तरह आगे चले जाते हैं कि कोई कमज़ोरी ही दिमाग में ना रहे, आपकी कोई कमज़ोरी ही दिमाग में नहीं होगी तो दूसरे तक कोई बात ही नहीं जाएगी। तो हमें ऐसे ही, मैंने इस चीज़ पे किया है एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करती हूँ। एक बंदी से मैं काफ़ी दिनों के बाद मिली, काफ़ी टाइम के बाद, तो मैंने देखा कि जो जो उस दौरान मेरी उसकी मुलाकात के दौरान जो जो उसके उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी आम लफ्ज़ों में यूँ के, तो वो मैं वही सवाल पूछ रही थी। मैंने पूछा कि अच्छा बेटी का क्या हुआ, बेटी का रिश्ता, वो उसने कहा कि मैंने बेटी की मंगनी कर दी है, बेटे की भी शादी की तैयारी कर रही हूँ। अब मेरे जो सवाल थे जब मैंने ये सारे पूछे और उसने मुझे सारी बातें बताई, तो मुझे उसके बाद मैंने अपने पर गौर किया कि अच्छा देखो मैं ये सारी चीज़ें पूछ रही थी, मेरे माइंड ने सेंस कर लिया था कि इसके पास ये मालूम आता है, जो कि मतलब मेरे मिलने के बाद इसके पास ये चीज़ें। तो इसी तरीके से हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो हमें कॉन्शियसली नहीं पता होती लेकिन हमारे सब कॉन्शियस में वो पड़ा हुआ है, वो दूसरे के माइंड ने जज कर लिया और वही हुआ। इसी तरीके से जब हम कहीं जाते, इंटरव्यू के लिए जाएं, पेपर्स के लिए जाएं, जो डर हम लेके जाते हैं वही आ रहा होता है, वही होता है। तो सबसे पहले तो डर ख़त्म करें, हम अपने अंदर की कमज़ोरियां ख़त्म करें ताकि हमें दूसरों की तरफ वो चीज़ें ना जाएं और वही चीज़ ना अट्रैक्ट करें। इसमें आज मैं बहुत, बल्कि वो एक ऐसी कोट है वो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ज़रा ये उसमें भी थी, डॉक्टर अनीता ने ये शेयर की थी कि आप टॉक्सिक लोगों को ना ख़त्म करें, अपने बॉडी का वो हिस्सा, वो टॉक्सिक पार्ट को ख़त्म करें जो टॉक्सिसिटी को अपनी तरफ घसीटता है। मुझे इतना बहुत ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हमारे अंदर वो जो चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं उनको ख़त्म करें, उनको हील करें। टॉक्सिक तो रहेंगे ना, अब दुनिया से हम चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते, ये ड्यूलिटी की दुनिया है, यहाँ पे तो दोनों चीज़ें होंगी, जहाँ पे अच्छाई भी है और बुराई भी। हमारी अपनी बनावट में, हमारी अपनी ज़ात जो अल्लाह ने बनाई, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने दो हिस्से रखे। फिर ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने आपको हर वक्त खुशी भी देनी है और आपको मुश्किल वक्त भी देना है, हमें, मुझे भी, हम सबको देना है। तो हमने क्या करना है कि हमने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है कि टॉक्सिक जो हम चीज़ अट्रैक्ट करते हैं वो हमारी तरफ आती है। अब जो चीज़ जो हमने अट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो अगर टॉक्सिक पार्ट है उसको ही ख़त्म कर देंगे तो टॉक्सिसिटी को करेगा नहीं, पॉजिटिविटी को करेगा। हम सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, मैं अगर पूरी पॉजिटिव हो जाऊंगी, अपने अंदर से सारे ख़त्म कर दूंगी तो फिर मेरे तरफ पॉजिटिविटी आएगी, जो मैं सोचूंगी वही मिलेगी। तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें कि हम फोकस ही ऐसी चीज़ों पर करें जो हमें चाहिए हों, जो नहीं चाहिए उनको हम छोड़ दें, उनकी तरफ ध्यान ना दें।
आगे चलते हैं थोड़ा डिस्कशन पे। ये मेरे यहाँ पहले हो चुका है। अच्छा, ये थोड़े जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, ये उनकी पिक्चर्स मैंने रखी हैं कि ये किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते थे। और फिर जो एक्सपेरिमेंट हुए, मैंने बताया था कि वो कोई 4000 तक हुए, 40 सीरीज़ जो थी मतलब अलग अलग उनमें हुई। और किसी में तो उन्होंने कहा कि ये आगे आएंगी चीज़ें कि जो है ना कि सेंसरी लीकेज है। सेंसरी लीकेज ये है कि जैसे मैं अभी यहाँ देख रही हूँ चाहे सामने, लेकिन मुझे इतने सेंटीमीटर इधर की चीज़ भी दिख रही है, इधर की भी दिख रही है, हम इर्द गिर्द देख सकते हैं। चाहे मैं इधर नहीं भी देख रही हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे नज़र आ रहा है, इधर पे क्या हो रहा है मुझे नज़र आ रहा है। ये आप सबको भी ऐसे ही नज़र आता है। अब अगर कपड़ा बांधते काला, तो उसमें भी ये होता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें से हमें साइडों से जो है ना वो थोड़ा बहुत सेंस हो रहा है। तो इस चीज़ पर भी उन्होंने इसी वजह से इन एक्सपेरिमेंट को निकाल के तो पैरासाइकोलॉजी में डाल दिया, वरना इसमें तजर्बे बहुत ज़्यादा हुए हैं। टेलीपैथी पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। वो सिर्फ उन्होंने उनको इस चीज़ पे, एक तो ये है कि इंट्रोस्पेक्शन है कि हर बंदे का अलग से है एक्सपेरिमेंट था, उसका रिजल्ट अलग है, और दूसरा सेंसरी लीकेज है। ये क्या अच्छा, ये भी मेरे है डबल स्लाइड है, ये पहले भी आ चुकी है ना, ये हम कर चुके। और ये साइंटिस्ट के नाम है कि जिन्होंने ये काम किया। और जर्नार कार्ड वाला आगे जो फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको जर्नार, उसमें ऑटो, अभी पहले तो ये कार्ड बने, फिर जो मशीनी जो कंप्यूटर पे आ गए, तो ऑटो जर्नार भी और जर्नार, ये एक्सपेरिमेंट के नाम है जो मैंने आपको थोड़ा सा शार्ट उस दिन दिखाया था कि जिसमें से 5 कार्ड हैं, उसमें से 5-5 बनाएंगे तो 25 कार्ड हो जाएंगे, और उनको रख के तो अपने आप को चेक करेंगे। तो ये लेबॉरेटरीज थी मुख्तलिफ जिनमें इनका नाम, जो मोस्ट फेमस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्राम रेहन लेबॉरेटरी इज ये वाले ESR टेस्ट हुए थे। उनके जो साइंटिस्ट हैं वो हर्बर्ट जोसफिन गैथर पैट जो रिसर्च असिस्टेंट थे, और ये जो कार्ड थे वो यूज़ हुए। और ये कब हुई थी, 1933 से 1934 मार्च तक ये एक्सपेरिमेंट हुए। ये वही है, सौ गज के फासले पर पैरासाइकोलॉजी लैब में कार्ड्स के ऑर्डर्स को शफल किया, मतलब कार्ड उस दिन भी बताया था कि शफल करने, ये बना के इसीलिए एक ही शेप है, लेकिन वो जैसे ताश के पत्ते को इधर उधर करते ना शफल करते हैं, उस तरह शफल करके इनको देते हैं। साइकोकाइनेसिस, मूवमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय माइंड विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीन्स। ये देखें, ये वाला तो मैंने उस पर आपको हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का वाक्या भी, मलका बल्कीस का तख्त जो है वो आया था, उसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। ये सारी पहले हो चुकी हैं एक्सप्लेन, मैंने आपसे कहा था कि स्लाइड्स जो है ना वो बात चलेंगी। और ये भी, ये क्रिटिसिज्म क्या हुआ और इस वजह से जो एक्सपेरिमेंट हुए, वही के कंट्रोल नहीं के, अभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है ना वो उनको सेंस हो जाता है, और उस वजह से इन पे ये जो ना क्रिटिसिज्म हुआ, तो इसको सूडो साइंस में कर दिया। साइकोकाइनेसिस के तजर्बात को तारीखी तौर पर मुनासिब कंट्रोल की कमी और तकरार की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया। इस बात का कोई अच्छा सबूत नहीं है कि साइकोकाइनेसिस एक हकीकी रुझान है, और इस मौजू को आम तौर पर सूडो साइंस के तौर पर समझा जाता है, जो मैं पहले भी आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब साइकोकाइनेटिक एक लफ्ज़ है। साइकोकाइनेटिक का अंग्रेज़ी में मानी सिर्फ दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी जिस्मानी चीज़ की हालत या पोजीशन को तब्दील करने से मुतालिक है। वो तमाम नफ्सियाती कुवतों का इस्तेमाल करता है। साइकोकाइनेटिक के लिए एक गैर जानिबदार इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये जो बता चुकी हूँ कि ये भी ये एक्सपेरिमेंट करते हुए इस्तेमाल किया गया। ये गेस फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक पहले ऑटो जर्नार कार्ड है, ऑटो गेस और गेस दोनों।
ये डिटेल है कि ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ, किस तरह से वो ईईजी लगा के मशीन और जो मैसेज भेजा गया, जो बीच में सेंडर को, सेंडर जो भेजता था वो एक्सपेरिमेंट, जो दूसरा रिसीवर है उससे पूछा कि कौन सी शेप आपके माइंड में आई। जैसे ये कह रही है कि मेरे साथ कोई हो, मैं उसको भेजूँ ट्राइंगल स्क्वेयर, जो 5 कार्ड बने हुए हैं, तो उन कार्ड में से जो एक सेंडर है वो भेजता है और अगले वाला एक्सपेरिमेंट जो जिस पे हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो फिर बताता है कि मुझे इस, मेरे माइंड में इस तरह की शेप और ऐसी चीज़ आई है। तो उसमें ज़रा वो थोड़ा बहुत चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर कट भी होती हैं, और कुछ जैसे 19-20 होता है। अभी मैंने बताया नहीं, ये नहीं, आपको नहीं बताया था, दूसरी क्लास में बताया था कि मैं अपने बेटे के साथ लेटी थी, तो मैंने अपने माइंड में कहा कि चलो आप कोई चीज़ सोचो, आप अभी क्या सोच रहे हो। तो जो मेरे माइंड में चीज़ें आती थी, जैसे मुझे लगा कि वो पंखे के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने जब उसे कहा कि आप पंखे के बारे में सोच रहे हो, उसने बताया कि हाँ। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं वो इस तरीके से हमारे माइंड में आने लगती हैं कि ऐसे मुझे लगे कि जो छत पे कोई चीज़ है ना, ये उसके बारे में सोच रहा है। तो फिर जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैं पंखे के बारे में सोच रहा हूँ। तो इस तरह से वो चीज़ें शेप बनेगी या थोड़ी बहुत चीज़ आएगी, तो जिससे क्लू मिलता कि अच्छा ये चीज़ कोई बंदा सोच रहा है। तो इस तरह से आप अपने साथ भी, जो किसी के साथ भी करना चाहते हैं, खुद के साथ करना चाहते हैं, तो जितना आप, एक दफ़ा रिजल्ट अच्छा आएगा, जैसे आपने देखा कि अब आपके साथ हुआ है कि आपको अच्छा लगा कि वो खुद ब खुद उठ के आ गई, तो आपको अपने पर ट्रस्ट डेवलप हुआ। इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट्स थोड़े थोड़े करें तो आपके बेहतर होंगे। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये इन पे किया था क्रिटिक्स के, ये जो है ना सेंसरी लीकेज है कि यहाँ जो हमारी आंखों से इधर उधर थोड़ा बहुत नज़र आता है, तो उस वजह से बंदा बताता है। तो बेसिकली चीज़ ये है, काम तो आपको पता है, ये पैरासाइकोलॉजी तो है, साइंस से निकाला है और इसको क्रिटिक्स मिला है कि ये साइंस नहीं है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि ये चीज़ें काम कर रही हैं क्योंकि हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं और चीज़ें हमें मिल रही हैं और उसमें हम इस चीज़ को मान रहे हैं। ये मैं आपको स्लाइड भेज दूँगी, बेशक आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, चीज़ें वही हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे हुए, किस तरीके से हुए, कितने मिनट का एक्सपेरिमेंट था, तो ये मतलब हिस्ट्री है और थ्योरी है। तो इस पर हम टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम जो स्किल्स हैं उसको उस पर करेंगे। जैसे मैं आपको अभी मेडिटेशन गाइडेड करवाऊंगी और इस चीज़ को आगे लेके चले, जो आगे साइन आ रहे हैं उनको ज़्यादा समझना कि साइन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ होगा भी तो आप इन चीज़ों को उस पर फोकस करेंगे और समझेंगे। मैम इनको पीडीएफ में सेंड कर दीजिएगा ना, अपने वो पहले वाली, बिल्कुल अब मैंने कर दी थी, वो मैंने कर दी थी और भेज नहीं पाई हूँ। इस वीक में मैं काफ़ी बिजी थी और वो मंडे का जब लास्ट वेनसडे को क्लास थी ना, उसके दिन मैं सोचा था भेजूंगी, तो फिर मैं नहीं भेज पाई, तो आज मैं आपको भेज दूंगी, पीडीएफ बन गया था, वो सारा भेज दूंगी। अच्छा ये कोटेशन है मेरी वही के पहले हमने क्या करना है, ये कैसे काम करेगी, देखें कि इसमें काम तभी होगा कि हमारा पॉजिटिव बिलीव होगा इसके बारे में, और जब भी हम करने लगेंगे उससे पहले हमें वही मेंटल डिसिप्लिन जिसमें मेडिटेशन करनी है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आर्टिस्ट एबिलिटी होनी चाहिए, इमोशनल क्लोजनेस विद सेंडर जिसको हम भेज रहे हैं, स्टार्ट की बात है। बाद में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हों, आपको यकीन होना चाहिए ESPR पे, फिर एक जो आप मेडिटेशन है वो करना आना चाहिए, विजुलाइज करना आना चाहिए, फिर आपके पास मतलब आर्टिस्ट एबिलिटी होनी चाहिए, और जिसको भेज रहे हैं तो उसके लिए उसके साथ इमोशनल बाउंड हो, ये स्टार्टिंग में, बाद में आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये है पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च जो उन्होंने की, जर्नार कार्ड जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए, और ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने वालों का दावा है कि ये काम करते हैं, और आप करके आप भी दावा करें और बताएं। जैसे ये बता रही हैं कि इनको बड़ा अच्छा लगता है, अब जब इनको कोई ना कोई तजर्बा आता है, इनकी बहुत कोशिश होती है कि ये अपने उस तजर्बे को वैलिडेट करवाएं। तो आप भी आपस में करें और ख़ुद करें और अपने आप पे ट्रस्ट करें, सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि ये चीज़ काम कर रही है। ये 5 ये हैं, आप किसी हार्डबोर्ड पे बनाएं कि आपको वही सेंसरी लीकेज ना हो, कि आपने इतने मोटे मार्कर से लिखा और ऐसे पेपर पे लिखा कि आपने ऊपर रखा तो वो नज़र भी आ रहा था। तो ऐसे करें कि आप जो गत्ते के नहीं होते, पेटियां होती हैं जो उसका वो हार्ड होता है ना, उसके साथ अगर आप मार्कर से लिखेंगे भी तो उल्टा करके रखेंगे तो नज़र नहीं आएगा। तो पहले आप ये लिखें, बनाएं। एक और मज़े की चीज़ भी है जो आप कर सकते हैं कि आप पहले इनको देखें,
और आंखें बंद करके अपने माइंड में इनको देखें, तो जब आपको ये सारी शेप्स आपके माइंड में चली जाएंगी तो फिर आसान हो जाएगा आपके माइंड को जज करना कि अभी कौन सी शेप है, क्योंकि हम सारी मेमोरी हैं। वो जब ये शुरू में या प्रैक्टिस हम करते हैं ना, तो ये यही चीज़ है कि हम जो क्षमा बीनी है किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, या पानी पे लोग करते हैं, ग्लास पे, पानी के ग्लास पे, कहीं भी, तो कोई ना कोई एक चीज़ तो होती है जिसको हम, उसका हमारे दिमाग में एक्स बनता है। और जब आपको एक्स बनने की आदत हो जाएगी ना, तो वो चीज़ें दिमाग वही चीज़ वापस देता है ना। तो यहाँ पे हम वो अलामी चीज़ें अलग हैं कि जब जो अलामी ख्वाब हैं, जो अलामी चीज़ें इंट्यूशन आती है ना, वो अलग हैं। वो तो ज़ाहिर है हमें एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, हमारी मेमोरी में ही नहीं होता, तो वो तब जो चीज़ें आती हैं वो अलग हैं। वो अगली स्टेज तब आएगी कि जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि जो कभी आपने ना देखी, जो ना आपने सुनी, तो वो आपको ख्वाब आया तो वो अलहामी होगा। जो जो एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं इस दुनिया में, जो नॉलेज, जो इलम, जो शेप, जो पैटर्न, जो चीज़ें देख चुके हैं, तो वो दिमाग हमें वापस दिखाता है। तो इसमें भी यही चीज़ें हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट आएंगी। जिस तरह मैंने कहा था कि जैसे बायां आँख फड़कना या दायां आँख फड़कना, कान लाल होना, तो ये फिर अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस के वो फिर चीज़ें मैं उसको ट्रेंड कर लूँगी। तो वो क्या हुआ कि दिमाग ने वो पहले की, उसके दिमाग, मेरे दिमाग के पास थी, तो फिर बताया कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसा जैसे पहले हुआ था तो ऐसा ही हुआ, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस बढ़ती है। तो ये इसलिए पहले आप इनको गौर से देखें, आंखें बंद करें, फिर देखें कि आपकी आंखों के आगे ये सारी शेप्स आ रही हैं। तो फिर जब शेप्स आ जाएंगी, तो फिर जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो आसानी से वो सेंस कर लेगा कि हाँ अभी ये वाली जो है ना शेप है, और उसको खोल के देखें कितने परसेंट ठीक चल रहा है। यही जो मैं बता चुकी हूँ। ये सारी स्लाइड्स में गुजार रही हैं, ये मैं सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब 1980 में ऑटो गेज आ गए, जैसे ये कंप्यूटर के थ्रू पहले तो उन्होंने लिखे और किए, फिर कंप्यूटर में दिखाए और फिर वो सेंस किए, ये सारे उसके बाद वाले में ये ऑटो गेज आया। ये मैं आपको स्लाइड भी भेज दूंगी, ये जो जिन जगहों पे एक्सपेरिमेंट होते रहे। सेंसरी डिप्रिवेशन वो है कि आंखों को बांध के पट्टी, काला कपड़ा कोई ऐसा रख के, तो ताकि उनको जो है ना फाइव सेंसेस के साथ उसको कोई चीज़ मतलब नज़र तो नहीं आ रही, तो वो इस किस्म के जैसे पिंग पोंग बॉल होती है ना, जैसे फोम वाली बॉल, तो उनको दरमियान से जैसे काट के, तो वो आंखों पे लगाए जाते हैं ताकि कहीं से भी जो है ना वो सेंसरी लीकेज मतलब टोटली सेंसरी डिप्रिवेशन हो, कहीं से भी कोई नज़र मतलब उनको सेंस ना हो रहा हो। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट हुए। ये अब करना कैसे, ये वाला उसके बाद आएंगे कि वो जो साइन क्या है, तो करना कैसे है ये, इसमें ये सारी इसको उर्दू में है,
देखें ये पहला सबसे पहला पार्ट क्या क्या, अपने ख्यालात को फोकस करना, वही जो मेडिटेशन है, अपनी ब्रीदिंग पे देखें, अपनी थॉट्स को कम करें, अपने जिस्मानी हवास को ठीक करें, हेडफोन के ज़रिए सफ़ेद शोर बजाने और ब्लैक आउट चश्मे पहनने की कोशिश करें जो अपने पिक्चर पे देखें, अपने जिस्मानी तासरात से तवज्जो हटाने से आपको टेलीपैथिक पैगाम भेजने पर ज़्यादा तवज्जो मरकोज करने की इजाज़त मिल सकती है। आप और वसूल कुंदा दोनों को अपने हवास को ट्यूनिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। हिस्सी महरूमी आपको पैगाम पर तवज्जो मरकूज़ करने में हर एक की मदद कर सकती है। अब सबसे पहले मेडिटेशन की, उसके बाद अपनी ब्रीदिंग पे फोकस किया। ब्रीदिंग से हट के तो ये देखें उन्होंने जिस तरह से ये गॉगल्स टाइप पहने हुए हैं कि इनके अंदर जो है ना ऐसे वो फोम टाइप छोटी छोटी पिंग पोंग बॉल होती हैं वो अंदर रखी हैं ताकि कहीं से नज़र ना आए। अब जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों का इसी तरह करके, तो उसके बाद जो है ना मैसेज भेजना, जब पूरा मैसेज पे ही फोकस होता है कि सबसे पहले कोई चीज़ पेंसिल है, एप्पल है, कोई चीज़ है, वो आगे आएगा। बल्कि पहले ना एक्सप्लेन करूँ। अब ये भी हम कर सकते हैं कि अपने जिस तरह से योगा करके अपने आप को स्ट्रेच करके, ये उर्दू में अपने पट्टों को खींचें या योगा करने की कोशिश करें, टेलीपैथिक पैगाम भेजने की कोशिश में बहुत ज़्यादा ज़हनी तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसलिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पुरसकून होने की कोशिश करें। बाकायदगी से स्ट्रेचिंग और योगा की मश्क आपको ये सीखने में मदद दे सकती है कि आप अपने आप को किस तरह मरकूज़ और पुरसकून हालत में रखते हैं। जब आप टेलीपैथिक पैगाम भेजने की तैयारी करते हैं तो अपनी टांगों, बाजू और कमर को फैलाने की कोशिश करें। जब आप पोज में जाते हैं तो सांस लें, फिर 15 या 20 सेकंड तक खींचते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ें जैसा कि आप खींचते हैं। अपने जिस्म को छोड़कर अपने तमाम तनाव को का तसव्वुर करें। ये तो मतलब या तो मेडिटेशन करें या योगा करें, इनमें से कुछ भी करें। अब ये तीसरा है, मेडिटेशन कर लें। दोनों तरीके हैं कि आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए मुराकबा करें, ढीले डाले कपड़े पहने और आरामदायक पोजीशन में सीधे बैठें, सांस लें और आहिस्ता से बाहर निकालें और अपने जहन को नापसंदीदा ख्यालात से पाक करने की पूरी कोशिश करें। बिखरे हुए बेतरतीब ख्यालात का तस्वर करें जो आप सांस छोड़ते ही आपके दिमाग को छोड़ देते हैं। अपने जहन को एक सोच पर मरकूज़ करने की पूरी कोशिश करें। दिन में कम से कम 20 मिनट मुराकबा करने की कोशिश करें। मश्क के साथ आपके दिमाग पर तवज्जो मरकूज करना आसान होना चाहिए। एक बार जब आप पुरसकून तवज्जो मरकूज हालत में हों तो आप टेलीपैथिक पैगाम भेजने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। इस बात को जहन में रखें कि टेलीपैथिक पैगाम भेजने वाले और वसूल करने वाले दोनों को अपने जहन को आराम और सुकून और साफ करना चाहिए। यही चीज़ें बार बार हैं और पहले बता भी चुकी हूँ, अब ज़रा स्लाइड्स के साथ चल रही हैं। बेसिकली चीज़ें पहले भी रोज़ रोज़ साथ साथ बताई हैं, लेकिन असल चीज़ है मेडिटेशन, असल चीज़ है जो हमारे शेडो है उन चीज़ को क्लियर करना। तो वो स्लोली स्लोली चीज़ें क्लियर हो भी रही हैं, माशाल्लाह आप कर भी रहे हैं। अब पहले तो वो था ना कि हमने ये मुराकबा किया या हमने स्ट्रेचिंग की या योगा किया, अब मैसेज सेंडिंग में आ रहा है। आपका पैगाम वसूल करने वाले शख्स को तसव्वुर करें, अपनी आंखें बंद करें और वसूल किंदा को हर मुमकिन हद तक वाज़ेह तौर पर तस्वीर बनाएं। तसव्वुर करने की कोशिश करें कि वो आपके सामने बैठे हैं या खड़े हैं। अपने दिमाग की आंख से तफसीलात देखें, जैसे कि उस शख्स की आंखों का रंग, वज़न, कद, बालों की लंबाई और इसके बैठने या खड़े होने का तरीका। अगर आप वसूल किंदा से बहुत दूर हैं तो इसकी तस्वीर को देखना शुरू करने से पहले इनकी तस्वीर देखना मुफीद हो सकता है। जो पहले मैंने बताया कि आप पिक्चर देख के भी कर सकते हैं, उसके कपड़ा कोई है यूज्ड या उसकी कोई चीज़ है उसको भी अपने हाथ में या वो करें ताकि उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें। जब आप अपनी ज़हनी तस्वीर बनाते हैं और इसे वसूल किंदा को भेजते हैं तो इन्हें आराम करना चाहिए और पैगाम के लिए खुले रहने पर तवज्जो मरकोज करनी चाहिए। इनसे कहें कि वो अपना जहन साफ करें और जितना मुमकिन हो सके इनके सामने आप उनका तसव्वुर करें। वही चीज़ है कि जब ये स्टार्टिंग में है, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप सब कर सकते हैं। अब ये दूसरा है कि क्या करना है।
तसव्वुर करें कि किसी शख्स के साथ बातचीत करने में कैसा महसूस होता है। जब आप किसी शख्स के साथ आमने सामने बातचीत करते हैं तो इन एहसासात को जहन में रखें जिनका आप तजर्बा करते हैं। इन तजर्बात इन जज्बात को महसूस करें जैसे वो शख्स आपकी मौजूदगी में हो। इन एहसासात पर तवज्जो मरकूज करें और यकीन करें कि आप दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक पैदा कर रहे हैं। वो ऐसे ही फील करना है कि जैसे आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। अब ये देखें कि पहले कोई पिक्चर भेजनी है, पहले कोई चीज़ एसोसिएट करनी है, फिर आपने उसके साथ, क्योंकि जब वो कोई हम माइंड में पिक्चर्स बनाते हैं तो उस वक्त हम अल्फ़ा में जा रहे हैं, तो अल्फ़ा में जाके उसके जब चले गए तो साथ ही हमने कोई जो मैसेज भेजना है वो भेजें। एक सादा तस्वीर या लफ्ज़ पर तवज्जो दें। जब अभी शुरुआत कर रही हूँ तो किसी आसान चीज़ के साथ कायम रहें, जैसे कोई करीबी चीज़ है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा तफसील के साथ तसव्वुर करें और अपने ज़हन को मुकम्मल तौर पर इस पर मरकूज़ करें, इस पर तवज्जो मरकूज़ करें कि ये कैसा लगता है, इसे छूना कैसा लगता है और मिसाल के तौर पर आपको कैसा महसूस करता है। एक सेब का तसव्वुर करें, किसी ख़ास सेब को अपने दिमाग की आँख में देखना जितना मुमकिन हो वाजिया तौर पर देखें। इसके जायके और इसमें काटने के एहसास का तसव्वुर करें, मतलब उसका टेक्सचर फील करें। अपने ख्यालात को सिर्फ सेब पर मरकूज़ करें। मैंने आपको एक शायद वो भी करवाई थी ना, लेमू की प्रैक्टिस करवाई थी कि आप फील करें, वो यही चीज़ थी ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो। अपना पैगाम मुंतकिल करें। अब मैसेज आ रहा है, पहले हमने कोई चीज़ की, वो कोई भी सिंबल था, वर्ड था, कोई चीज़ थी। अपना पैगाम मुंतकिल करें एक वाजिया ज़हनी तस्वीर बनाने के बाद। पहले आपने अपने माइंड में वो पीली पिक्चर्स जो है ना, उसके फीलिंग्स के साथ और उसके टेस्ट टेक्चर सब के साथ लाना है कि आपके दिमाग से रिसीवर्स में शेयर सफ़र कर रही है। अब जो चीज़ है वो एक रिसीवर है, वो एप्पल रिसीवर है और उस पर उसके थ्रू चीज़ सफ़र कर रही है। जो मैंने आज भी दोबारा बार बार ये चीज़ बताई है कि ये वेव्स हैं, वो वेव्स जो हैं वो कन्वे कर रही हैं, जिस तरह से हमारे एंटीना है टीवी का, हमारा जो मोबाइल का, ये किसी ना किसी वेव्स के थ्रू, जब मैं और आप बात करें ये कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी है उस पर ट्रेवल करके तो बात हमारी एक दूसरे तक जा रही है। इसी तरीके से हम मेंटली भेजेंगे। वसूल किंदा के साथ रूबरू अपने आप को तसव्वुर करें। बिल्कुल अपने माइंड की आंख से देखना है कि आप बिल्कुल आमने सामने हैं और इनसे कहो, एप्पल या जो भी आपके ख्याल में मुंतकिल हो रहा है, जो भी चीज़ भेज रहे हैं उनसे, आपके दिमाग की आंख में इनके चेहरे पर एहसास का तासर देखें, क्योंकि वो समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप जब एप्पल भेज रहे हैं तो आप देखें कि वो रिसीव कर रहे हैं और उनका जो रिसीव करने के बाद जो इनके फेस पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं आप वो भी देख रहे हैं। इनके चेहरे पर एहसास का तासर देखें कि क्यों वो समझ। ज़हन में रखें कि तवज्जो मरकूज़ करने और दबाव डालने में फ़र्क है। ये बात ज़हनी तस्वीर जो तवज्जो मरकूज़ करें लेकिन पुरस्कूर रहें, ये जो मैं बार बार कर रही हूँ कि जब हम फोकस करते हैं तो साथ ही स्ट्रेस हो रहा है ये तो हो ही नहीं रहा, तो एकदम हमारा मोड जो है, हमारे दिमाग के मोड लगते हैं, जिसमें मैंने बताया कि एक हमारा कोग्नेटिव मोड है, एक चिंपैंजी मोड है, लिजर्ड मोड है। तो जो हमारा स्ट्रेस वाला मोड है जिसमें हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो फिजियोलॉजी हमारी स्ट्रेस की बन जाती है, तो उसमें ज़्यादा हमारी जो सोच फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, फिर तो वो नहीं होती। तो हमने हर सूरत में, इसीलिए प्री रिक्विजिशन है कि हमें ये प्रैक्टिस बार बार करनी है कि हमें अपने जहन को पुरसकून करना आना चाहिए। हमारी बॉडी को हम पुरसकून, जब जहन पुरसकून होगा तो बॉडी पुरसकून होगी। फिर विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस है कि ये जो गाइडेड मेडिटेशन है मुख्तलिफ करवाई है कि आपको ये आपका जहन तैयार और ये विजुलाइजेशन और रिलैक्सेशन और मेडिटेशन ये आपकी पहले से इतनी स्ट्रांग हो कि जब आप ये चीज़ इस्तेमाल करने लगें तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ और आपको अपने ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट डिवेलप हो। एक बार जब आपने ख्याल भेज दिया है तो इसे अपने दिमाग से निकाल दें वंस मोर। ये भी बड़ी गौर तलब बात है और इसको भी आपने बड़े गौर से अपने माइंड में ये चीज़ डालनी है कि एक दफ़ा भेज दिया तो बार बार ना सोचें कि हाय पता नहीं गया नहीं गया, हाय मैं दोबारा भेजूं, हाय ऐसा। तो एक बार, क्योंकि हमारे माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जब नई चीज़ भी कोई सोचते हैं तो एक बल्ब ऑन होता है, तो कभी एक बल्ब ऑन करें, कभी दूसरा ऑन करें, तो दिमाग कन्फ्यूज़ होगा।
तो एक चीज भेज दी, वेट करें बस, उसको दोबारा जहन में ना सोचें और इसके बारे में मजीद ना सोचें। तसव्वुर करें कि आपने इसे वसूल किंदा को दे दिया है और अब आप इसे नहीं पकड़ रहे। जब आपने एक चीज़ भेज दिया तो दोबारा पकड़नी नहीं है, आपकी तरफ से चली गई है। अब इससे कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो रही होंगी कि अब कैसे करना है। वसूल किंदा से जो कुछ इनके जहन में आता है इसे लिखने को कहें। एक बार जब आप पैगाम भेज देते हैं वसूल किंदा, इसको इस वक्त तक पुरसकून और खुला रहना चाहिए जब तक कि वो इसे महसूस ना करें, कर लें कि ये ख्याल इनके दिमाग में दाखिल हो गया। फिर जो कुछ इनके जहन में आया है इसे लिखना चाहिए। वसूल किंदा के साथ चेक करें, इन करने से पहले आपको वो सोच भी लिखनी चाहिए जो आप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने नतीज का मुवाजना करते हैं तो इससे आपको मरूजी रहने में मदद। अब देखें कि जब कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उससे पहले आप लिख लें कि मैंने ये बात भेजी है, ताकि आपको 100% श्योर होगा कि मैंने यही मैसेज भेजा। जैसे ये कह रही हैं, अब ये कहती हैं कि वर्ड्स भी वही होते हैं, अल्फाज भी वही होते हैं जो ये मैसेज भेजती हैं। ये आप भी कर सकती हैं, ये आप भी कर सकते हैं। पहले आप स्टार्ट में ऐसा करें, आप लिखें और फिर जो अगला बंदा, जैसे अभी मैंने अपनी भी एग्जांपल दी थी कि मैंने कहा कि आप सोचो, आप मैं देखती हूँ आपके माइंड में क्या, फिर मैं जब सोचती थी तो मैंने कहा मैंने क्या सोचा आप बताएं, तो वो अगर मैं तो प्रैक्टिस करने वाली हूँ ना, तो मेरा ख्याल उनको शायद ना भी वो समझ सकें क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप उनके ख्यालात को जानें, लेकिन वो उनसे जब आप कहने लगेंगे कि आप मेरे ख्याल को जानो, मेरे दिमाग में क्या है, तो वो शायद उतना 100 रिजल्ट अच्छा ना है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो मेडिटेशन नहीं कर रहे, वो अपनी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव नहीं किया उन्होंने। तो आप उनको चेक करें और उससे पहले लिख भी लें। एक दूसरे के साथ नतीजे का मुवाजना करें। जब आप दोनों तैयार हों तो आप और वसूल किंदा को एक दूसरे को दिखाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। अगर आप कामयाब नहीं होते खास तौर पर पहले, तो मायूस ना हों। अपना दिमाग साफ करने के लिए कुछ वक्त निकालें और फिर एक मुख्तलिफ तस्वीर के साथ दोबारा कोशिश करें। अगर आप वाजिया टेलीपैथिक पैगाम भेजने के काबिल नहीं हैं तो अपने आप को मायूस ना करें। कोशिश करते वक्त सिर्फ मज़े, मतलब कोशिश करें कि इंजॉय करें कि मैंने एक ट्राई की थी, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट तो हो ही जाएगा। चलें अभी आप पढ़ें, मेरा तो गला थक गया। कोई पढ़े अभी, कौन पढ़ेगा? ये अब तो उर्दू में, ये तो आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, चीज़ें वही हैं। पढ़ लें। बारी बारी पैगाम भेजना को फूल करने की कोशिश करें। जब आप मश्क करते हैं तो अपने किरदारों को तब्दील करें और देखें कि आया आपको एक या दूसरे के साथ ज़्यादा कामयाबी मिलती है। हो सकता है कि आपको मालूम हो कि आप पैगाम फूल करने में बेहतर हैं और आपका दोस्त इन्हें भेजने में बेहतर है। जहन में रखें किसी ऐसे शख्स के साथ मश्क करना मददगार है जिस पर आप भरोसा करते हैं, जैसे कि कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार। मैम ये मुझे चाहिए। ये आप कोई लो इनमें से, अब आगे चलते हैं। ये देखे कोई भी कार्ड हो सकता है ना। चले इसको पढ़ो। ताश का खेल खेलने की कोशिश करें। 5 मुनफरिद कार्ड डालें, जैसे कि ताश खेलना या इन पर अलामत वाले कार्ड। अपने साथी के साथ अलग जगह पर बेतरतीब एक कार्ड चुनें। अपने दिमाग को आराम और पुरसकून रखें। फिर अपने ख्यालात को मुकम्मल तौर पर अपने दोस्त को कार्ड की तस्वीर भेजने पर मरकूज करें कि आपके साथी का दिमाग पुरसकून हो और आपके पैगाम को समझने की कोशिश करें। जब वो महसूस करे कि कोई तस्वीर जहन में आ गई है तो उनसे कहो कि आपने जो कार्ड भेजा है इसे लिखे, फिर अपने नतीजे लिखें। एक तस्वीर बनाएं, फिर इसे अपने साथी को भेजें। एक शक्ल या शक्लों का सादा मजमुआ बनाने की कोशिश करें, जैसे मुसल्लस के अंदर दायरा। अपने ख्यालात को शक्ल पर मरकूज करें और अपने जहन से अपने साथी तक जाने वाली तस्वीर का तसव्वुर करें। जब वो महसूस करें कि इन्हें पैगाम मौसूल हुआ है तो इनसे मुतबादिल तौर पर जो भी शक्ल इनके जहन में दाखिल हुई है खींचे। कोई और तस्वीर भेजकर भेजने वाले को दिखा सकता है जो फिर इसे भेजने की कोशिश करेगा। अपनी तरक्की को ट्रैक करने के लिए टेलीपैथी जर्नल रखें। जब भी आप टेलीपैथी
ठीक तरीके से बातचीत करने की कोशिश करें, अपनी कोशिश की तफसीलात लिखें, नोट करें भेजने वाला और कसूर कंधा कौन है, मुंतकिल शुदा तस्वीर क्या है और आप कामयाब हुए या नहीं, एक जरीदा आपकी सलाहियतों को निखारने के तरीके तलाश करने में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई कोशिश नाकाम हो जाए तो कोई उम्मीद अफरा तफसीलात नोट करें। मिसाल के तौर पर अगर पैगाम सेव था और आपके दोस्त ने सुर्ख या फल लिखा है तो ये एक बुरी अलामत है। वही जो मैंने कहा ना कि एग्जैक्ट चीज़ नहीं हो सकती, कोई ना कोई अलामत, ये पहले भी मैंने आपको बताया। चलें जी, अब आ गया साइन ऑफ टेलीपैथी। You suddenly think of him, say you are going about with your work. When you suddenly think of him, you can't think of why this happened, but he just popped into your mind out of the blue. जो मैंने पहले बताया कि जब भी कोई पहली एकदम से कोई चीज़ आ रही है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, कितने दिनों से कुछ ऐसा नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ एकदम से आई है तो उसका मतलब है ये टेलीपैथिक मैसेज है। ये उर्दू में ये आप पढ़ चुकी हैं, अब चले आगे चलते हैं। मैम ये आपको अचानक इसका ख्याल आया, कहते हैं कि जब आप अचानक इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने काम के साथ जा रहे हैं, आप ये नहीं सोच सकते ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो आपके ध्यान में नीले रंग से बाहर आ गया। मैम नीला रंग से बाहर आ गया मतलब? नहीं, ये ब्लू प्रिंट है आपके दिमाग से, उसने ये जो जब उर्दू करते है ना तो ये फिर अपनी उर्दू देता ना, ये गूगल की उर्दू है, पिछला था ना ये देखो ब्लू प्रिंट क्या था, but he just popped up into your mind out of the blue. इसका मतलब है कि ये आपके अपने दिमाग में उसकी मतलब किसी ने जो बात सोची है कुछ किया तो आपके अपने दिमाग से निकली है, आपके अपने दिमाग से। ये उसी का ये एक टेलीपैथिक अलामत है कि वो आपको याद कर रहा है और आप शायद इससे भी याद कर रहे हैं। माहरीन नफ्सियात इन जहनों को कहते हैं इलम के टुकड़े, जैसे अल्फाज, तस्वीर या धुनें जो अचानक और गैर मुतवक तौर पर होश में आ जाती है। ये वो है ना कि अचानक कोई गाना याद आ गया, अचानक कोई तस्वीर याद आ गई, अचानक कोई ऐसी चीज़ जो आपके शऊर में नहीं थी, अभी आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे ना इसके बारे में, आपका कोई ऐसा ख्याल था तो अचानक जो चीज़ आई है वो टेलीपैथिक मैसेज है। तो मैम इसका मतलब है कि टेलीपैथी माइंड टू माइंड हो रही है, जिनको नहीं भी पता वहाँ भी हो रही है, और मतलब लोअर लेवल पर तो हो रही है, किसी चैनल के थ्रू नहीं हो रही, जैसे एक सीक्वेंस है ना हम लोग अब चैनलाइज कर रहे हैं चीजों को, वो किसी को नहीं पता लेकिन ये हो रही है। बिल्कुल, और आपको यही तो बात है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचें। अब आप इस चीज़ को समझें जिस पे आपने कहा कि जब कोई डोमिनेंस आपकी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में होती है तो जब आप उसको इतना वो सोच लेते हैं कर लेते हैं तो वो बाद में भी आपको ऐसी अट्रैक्ट करती है। फिर रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के लिए जैसा सोच रहे होते हैं उसको मैसेज जा रहा होता, वो नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स ये सारा इन्हीं चीजों का चक्कर है। ये आप माने या ना माने लाव ग्रेविटी या चीज़ें नीचे को आएंगी, जिस तरह से नेचर के कितने कवानीन हैं, तो वो तो हमें सज़ा नहीं दे रहा, हम उसके कवानीन में फंसे हुए। अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है, जो मैंने नेचर यूनिवर्सल लाव ये नेचुरल लाव मैंने वीडियो शायद आपको भेजी है कि नहीं, उस पर मैंने कितने लाज पे बनाई है जिसमें काज एंड इफेक्ट है, वो हम माने या ना माने वो तो काम कर रहा है ना, तो उसको जब अगर हमें समझ आ जाएगी मान जाएंगे तो हम पॉजिटिव सोचेंगे कि किसी को नेगेटिव जाए ना। और जो आज लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा कि हमने पॉजिटिव रहना है, कोई नेगेटिव अपने थॉट्स रखनी नहीं है ताकि वो थॉट्स दूसरे तक जाए, तो ये चीज़ वही आ गई। ये हैं जिन्होंने इस पर काम किया हुआ है, जो टेलीपैथिक साइन है इनका क्या नाम है आप पढ़े, ज़रा औखा नाम ही होता है। तो आगे उर्दू में कर देती हूँ, ये कुछ कहना चाह रही थी रीला, ये इनका उर्दू में भी है ना, ये ले। वो याद आया था एक, जब मैंने आपसे ये कोर्स अभी नहीं किया था, इससे पहले मुझे इन चीजों का नहीं पता था, जब मैंने एक दफा अपने घर के एक कर्टन सोचे थे और अपने माइंड में ही मैंने वो सारा जो था ना वो सोचा हुआ था कि जब मैं यहाँ से उस जगह मूव करूंगी तो मैं वहां से ना ये शॉपिंग करनी है, तो मैंने पहले से ही एक लिस्ट बनाई हुई थी ये चीजें लेनी है, और जैसे ही लिस्ट बनाई तो उनके कलर चीजें सोच ली। अब हुआ जब हम वहां गए तो जो मुझे चीजें चाहिए थी ना वही चीजें मिली, और उस टाइम शॉप वाले के पास ऑर्गेन्जा में मैंने कर्टन लिया,
सिर्फ उतना ही एक विंडो का पीस था, उसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा था ही नहीं। तो मैं यही सोचती थी शायद ये मेरे लिए ही पड़ा हुआ था, जब मैंने ये कोर्स किया मुझे चीजें समझ आई, तो मैं रिलेट करती हूँ चीजों को कि देखें जो कलर चीजें हम सोच लेते हैं ना, वो इतनी अट्रैक्शन उसमें आ जाती है कि वो चीज आपके पास वापस आती है, वो मिलके रहती है। फिर इसी तरह मैंने एक दफा जूता सोचा हुआ था कि मैंने अब बाजार जाना है तो मैंने ना इस तरह का जूता लेना है। अब हस्बैंड का मूड ही ना हो जूतों वाली, एक जगह हमने गाड़ी पार्क की तो सामने एक स्टाइलो की शॉप थी, कहते मैं इधर अपने काम से रुका हूँ, तो मैं कहा बस मैं तब तक ना शॉप से होके आती हूँ। अब मैं शॉप में गई हूँ, उधर सामने वही जूता जो मुझे चाहिए था वही पड़ा था, फौरन लिया, 2 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट की, जूता लेके वापस आ रहा। वो आपको वहाँ पे लेगी खींच के, वो आपको आपकी जो वो थी ना, जहाँ पे चीज थी ना उस तरफ आप चली गई, ये रास्ता बना और ये आपकी जो माइंड में था वो चीज मिली। यही है जो हम जैसा सोचेंगे जो माइंड में रखेंगे वही चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है और हमें मिलती है, वो हम माने या ना माने। अब आपको अगर इसीलिए तो स्टार्ट में मैंने क्या कहा था कि ये सब आपका अपना पोटेंशियल है, आपकी सब चीज़ें सिर्फ एक तरतीब से आपको पता चल जाएंगी, वरना ये समझ नहीं होती। अब जितना कुछ चाह रहा तो आपकी अपनी तो है, अब तरतीब से सारा कुछ आपको समझ आ गया। और मैम एक चीज, ये जो पर्दे और जो कुशन और जो मैंने इस तरह से अपने ड्राइंग रूम की एक सेटिंग और चीजें सोची थी, ये मुझे पूरा साल हो गया था इस चीज को अपने माइंड में रखे हुए कि कब टाइम आएगा, कब ये फ्री होंगे, कब मुझे लेके जाएंगे, कब हम फ्लाम जाएंगे, तब मैं शॉपिंग करूंगी। और ठीक एक साल के बाद जाके ये सारी चीजें मुझे मिली, फौरन फौरन नहीं मिली, कुछ चीजों में बड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन आपने उस चीज पे आपको मिल जानी है, वो जो आपने बल्ब जलने वाली, वो अगर मैं कहती कि अभी तो नहीं छोड़ो तो वो फिर दिमाग ने कंफ्यूज हो जाना था, वो नहीं मिलनी थी। मैंने तो वही लेनी है, चले जाएंगे हम जब ये फ्री होंगे ये ले जाएंगे, लेनी मैंने उसी जगह से। मैम इनकी बात पे तो वो वाला है ना, वो तो सर कहते हैं कि दो हैं, दो जहान है ना, एक आलम अमर है और एक आलम खलक है, हम लोग आलम खलक में रहते हैं। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे जो चीज भी अक्कर होगी वो एक टाइम पीरियड के साथ होगी और एक सीक्वेंस के साथ होगी, जैसे किसी बेबी की बर्थ हो गई या कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज प्लान की है तो उसको लेते लेते एक टाइम पीरियड लगता है। लेकिन जो आलम अमर है वहाँ पे जो मतलब अल्लाह ताला ने कौन कहना वो हो जाना है, वहाँ पे ना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे हजरत आदम का उनकी रूह बनाई तो अल्लाह ताला ने कौन बोला है वो रूहें बन गई, लेकिन जब उनकी बॉडी बनाई फिर एक एक पार्ट बना फिर पूरा सिक्वेंस पूरा हुआ था। यही दुनिया ना कि यहाँ पे हम अनकॉन्शियस सर्वाइव कर रहे हैं, कॉन्शियसली नहीं है। जन्नत में जो होगा इसमें, बल्कि एक बताऊँ कि यहाँ का टाइम डायमेंशन और जन्नत का टाइम डायमेंशन चेंज है। यहाँ की जो दुनिया की 100 साल की ज़िंदगी और आखिरत की 1 मिनट की ज़िंदगी है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना तो वो एक टाइम के साथ जो अल्लाह ताला की ये बाकी नेचुरल जो कॉस्मिक एनर्जी कह दें या जो भी चीज़ें, ये हमारे लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जब इनके साथ जो ही लहरों का कानून काम करेगा तो हमारे लिए रास्ते बनते रहेंगे, मौके आते रहेंगे, वो देर से भी हो सकते हैं जल्दी से भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो जगह होगी वहाँ तो फौरन कुन की देर है ना, वहाँ पर तो जैसे इंसान सोचेगा उसी वक्त हो जाएगा। तो यहाँ भी हो रहा है, जल्दी भी हो रहा है। अब जैसे जैसे आप इस चीज़ के साथ जुड़ गए, अब अपने आप को समझने लगें और खुदा के कानून को समझने लगें, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, क्या चीज़ें आपको जल्दी मिल रही हैं क्या देर से मिल रही हैं, ये अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। और ये कुदरत के कवानीन है, अल्लाह ताला किसी को सज़ा या किसी को वो नहीं करता, क्योंकि उसने तो इंसानों को बता दिया ना। अब जैसे हमें अपने साथ ज़्यादती खुद करते ना कि अल्लाह ताला ने हमें मशीन दी है, हमारी बॉडी हमारी मशीन है, इसमें हम ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ओबीज होगा, बीमारियां लगेंगी, कम खाएंगे तो हम लोग जो है ना बीमार हो जाएंगे, हम दरमियाना रखेंगे इस मशीन को तो सही। अल्लाह ताला ने बता दिए तरीके, वो हमारे नबी के थ्रू हमारे ज़रा अपने अपने जो भी जो इंसान किसी भी किसी ना किसी अपनी हायर जो सुपर नेचर है उसको तो मानता ही है ना, तो उनके थ्रू हमारा जिस तरह मज़हब कुरान है हमारे नबी के थ्रू हमें चीज़ें मिली हैं तो वो बता दी गई, हम उन्हीं को फॉलो नहीं करते तो मसाइल बनते हैं।
तो अल्लाह ताला ने तो कवानीन बनाया, अल्लाह किसी के साथ अल्लाह सज़ा नहीं देता, कुछ भी नहीं करता, ये हमारे खुद से खुद के साथ जो अल्लाह ने कवानीन बनाया उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो वो कवानीन अगर हम समझ जाएँ, अब ना माने तो वो अलग बात है, तो वो हमें अल्लाह ताला बस तौफीक दे कि हम खुद को समझ सकें और इस कायनात को समझ सकें कि ये बनी है और इसके क्या रूल्स हैं और ये किस लिए बनी है और इसके मकसद क्या है हमारे। अल्लाह ने कोई इंसान भी बेमकसद नहीं पैदा किया, हमें भी किसी ने हर इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया। तो इंसान अपने पैदा होने का और इस दुनिया में आने का मकसद ढूँढ ले और उसको पूरा कर ले तो फिर वो उस रास्ते पे आ जाएगा। फिर तो बाकी जो चीज़ें अल्लाह ने हमें दी है, अल्लाह ने हमें कमतर बनाया, हम कभी कभी खुद परफेक्ट बनना शुरू कर देते हैं, कंप्लीट बनना शुरू करते हैं, तो वो ना हम कंप्लीट बन सकते हैं ना हम परफेक्ट बन सकते हैं, हम कमतर हैं। हमें कोशिश करना, हम दूसरों को समझें कि ये वो पूरे हमें मिले, उनको भी हम कंप्लीट देखना चाहते हैं, खुद भी देखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि हम जैसे हैं और अपने ऊपर काम करें और अपने ऊपर गलतियों से बचने की कोशिश करें, हो जाए तो इस्तग़फ़ार करें और बाकी जो काम अगर नहीं आने वाला उसके लिए तो पहले से ही हदायत मांग लें। बस यही तरीका है, कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलते रहें तो मसाइल नहीं हों। चलिए, ये उन्होंने यही किया कि कब कब हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, जो एक्सपेरिमेंट जो खातून है उनका नाम, तो 90% जो उन्होंने कहा कि जब हम अकेले होते हैं जो कोई काम कर रहे होते हैं, वो जो हमारी जो साइंटिफिक भी है कि अल्फा में हम जब जाते हैं, रूटीन के काम जो हम सीख लेते हैं उन मारा हमारा कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जैसे कपड़े धोना, हम ब्रश कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हम किसी सोच में जब जाते हैं तो जहन इधर उधर जो भटकता है, तो उस वक्त जो अचानक कोई सोच आती है तो वो भी टेलीपैथिकली उसने कहा। और गैर इरादी तौर पे जब कभी कोई हमारे जो म्यूज़िक आता है जो पीछे, ये उसी के साथ मैंने जोड़ा हुआ है, कोई लफ्ज़ आता है, कोई वही जो पहले आप पढ़ चुकी हैं वही चीज़ें। और ये वो खातून है जिन्होंने इस पे काम किया है। मैम, मेरी ना एक दोस्त है ना, तो वो इतनी ज़्यादा ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेरे से क्लोज थी। जब मैं BS में गई ना तो मैं पहले फ्रेंडशिप नहीं करती होती थी, तो उसके साथ ना मेरा ये हुआ कि ऑटोमेटिकली अटैचमेंट होती ना, तो मैं अकेले बैठती थी तो वो पीछे आके मेरे साथ बैठ जाती थी, तो उसने में आते ना हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो टीचर की वजह से हुई ना, एक मैम की वजह से। तो मैंने, मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मेरी बात शेयर की मैं बात ना, तो मैं उससे बहुत, मैं आइसोलेशन में रहने वाली बंदी थी, तो मैंने उसे कहा कि तुमने ऐसे क्यों किया ना, तो कुछ और रीज़न थी, तो मैं उसे बिल्कुल कटअप हो गई। लेकिन समटाइम्स ना मुझे ऐसे कुछ भी कर रही होती थी ना, तो मेरे माइंड में ना अचानक होता था, मैं उसे कॉल कर लेती थी, पता नहीं कैसे मैंने उसको इतनी बार ब्लॉक भी किया अपनी ज़िंदगी से, फिर भी मैं उसे अनब्लॉक करके ना कॉल करती थी। तो अभी तो वो मेरे साथ भी है, अब जॉब भी करती है, तो मैं उसे कहती थी कि मैं उसे पूछती थी ना, तो वो हमेशा टफ टाइम में होती थी। एक टाइम पे कोरोना में उसकी मम्मा बहुत बीमार थी और उसके भाई ना उसके साथ, मतलब बाबा नहीं है ना उसके, तो उसके भाई बहुत बुरा सलूक करते थे उनके साथ। तो मैं उसे कॉल करती थी ना, तो मुझे हमेशा ये कहती थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तो डेफिनेटली वो अपने माइंड में हर टाइम मेरी इमेज को रखती होगी, तो मुझे अट्रैक्ट होना ही है ना उसकी तरफ। जी, आप समझ आई है ना, अब आपको पता चलता जा रहा कि ये चीज़ें काम करती हैं। अब फिर ये देखें कि किस तरह से सम टाइम, जैसे ये इस होता है कि आपकी गर्दन के पीछे एकदम से कोई झुंझलाट होती है या गर्मी की लहर आपके ऊपर आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको ये टेलीपैथिक मैसेज है। इसी तरीके से अचानक आपको एकदम से गर्मी लगना, एकदम से गूज बम, ये जो ये भी आगे पढ़ेंगे कि गूज बम क्या है, और इन चीज़ों का इसका मतलब है कि ये आपकी टेलीपैथिक है। और इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको टेलीपैथिक मैसेज आ रहे हैं। ये जैसे इनको भी होता है, आज तो मैंने इनको रोका था, मैंने कहा आगे ना जाएं, इतने डिटेल में छोड़े आप इन टेलीपैथिक की मैसेज को, क्योंकि जब कोई आपको ये भी पता चलने लगता है कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो वो भी फिर आपके लिए परेशानी का ही बायस बनता है ना। लेकिन मैम, क्योंकि हम लोग तो ऐसे प्रोफेशनल हैं और क्लाइंट आते हैं, तो फिर उनके लिए तो ये हमें हेल्पफुल होगा ना ये वाला। ये तो है, वो तो आपको, आप कनेक्ट हो जाएंगी, आप वही बोलना शुरू कर देंगे जो उसके अंदर होगा, आपका आप उसका मसला बड़े अच्छे से हल कर देंगे, वो सारी चीजें। मैम, वो इतना इसीलिए तो फिर ये चीजें तो मैं पता होनी चाहिए ना, तो आपको हम ये सारी चीजें सिखाए।
सीख रहे हैं ना आप, सीखी तो हैं आपने, देखो आप कितनी चीज़ें, अब आप खुद को जाने, आप अपने ऊपर वो ट्रस्ट करें कि आपको पता चल रही है। अब आप जब क्लाइंट के साथ बैठेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि आपकी उसकी और एनर्जी जैसे ही कनेक्ट होगी ना, तो वही चीज़ें आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी, उसी के इश्यू पर बात करेंगी, उसी को सॉल्व करेंगी, और आपको भी नहीं समझ होगी कि ये वही सारी हो रही हैं, उसके माइंड में जो थाट होगी वो आपको आना शुरू हो जाएगी, और आप एक्सपेरिमेंट करके देखें और ये देखेंगे ये लिखा हुआ कि कितने दफ़ा ऐसा हुआ है कि कभी आपने किसी के बारे में सोचा कि उसको मैसेज करें या उसको फ़ोन करें और उसी का जो है ना कॉल आ गई और मैसेज आ गया, ये क्या कोइंसिडेंस है, और आप सबके साथ हुआ होगा यकीनन कहीं ना कहीं। ये अभी आपने मिसाल भी तो दे दी ना, टाइप किया है कि मतलब खुद को इतना प्यार करती है, वो इतनी एक बेस्टिक बन गई है कि उसको किसी ने एक दफा कह दिया ना, उसकी मां भी कह दिया है कि ये कर लो, वो कभी मुझे कॉल नहीं करती थी, कभी मुझे मैसेज नहीं करती थी, हाँ जब उसके माइंड में आता था ना तो मैं जरूर कर लेती थी, और मेरे माइंड में ऐसे अचानक कोई काम कर रही होती थी ना, और मेरे दिल को इतना मतलब जैसे कोई मुट्ठी में ले रहा है ना, तो मुझे ऐसा होता था, मैं मुझे होता था मैं उससे बात करूँ, मेरे माइंड में ये होता था कि मेरी वो एक ही दोस्त है तो मुझे उससे से बात करनी है, मुझे कभी ये नहीं हुआ था कि वो मेरे बारे में सोच रही है, तो जब वो मुझे कहती थी ना मैं तुम्हें मिस कर रही थी तो मैं यही सोचती थी झूठ बोल रही है, लेकिन अब मुझे वाकई लगता है कि उसके माइंड में मैं होती थी। वो उसकी देखें वो सेल्फ एस्टीम कम होती है, आपको पता है कि नार्सिसिस्टिक इंसान क्यों बनता है, आप तो ज़रा साइकोलॉजिस्ट, आपको अच्छी तरह से पता है कि जो बचपन में जो ट्रॉमाज होते हैं और उनके बचपन में भी जो इश्यूज होते हैं तो वो एंटी सोशल बनते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, और बाद में जाके जब वो टीन से अडल्ट की तरफ जाते हैं तो वो नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं, तो वो भी तो ज़्यादा इसका मतलब है कि आप वो खुद कह नहीं सकती, तो वो आप तो उसके लिए हीलिंग है ना, तो आप तो बल्कि इस तरीके से भी हीलिंग भेज सकती हैं और कर सकती हैं। अब ये है कि कभी कभी आपको अचानक किसी का नाम जो है ना, आप कुछ और बात कर रहे हैं और अचानक से आपका किसी का नाम आपके मुंह पे आ जाता है, ऐसा किसके साथ हुआ है, कभी हुआ है? अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट कभी होगा तो ये भी देखेंगे, ये भी एक टेलीपैथिक साइन है। ये वही चीज जो भी आपने बताई है ना, ये आपने बता दिया ना पहले, ये वही साइन है। अगर कोई आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और उस वजह से आपके मुंह पे, हम अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं क्यों दूसरे एकदम से, मैं अभी मैंने ये सोचा भी नहीं था तो किसी और का नाम मुंह से निकल गया, तो वो यही चीज़ें होती हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इस वजह से आपका उसका नाम आपके मुँह से निकला। अब तीसरा साइन है जो मूड ड्रामेटिकली चेंज होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं बहुत से लोगों के साथ कि कभी कोई मूड हो रहा था, कभी कभी बड़ा अच्छा मूड और कभी एकदम से सैड मूड होता है, तो ये भी इसका मतलब भी है कि जो इस तरह ड्रामाई तौर पे आपका मूड चेंज हो रहा है जिसकी कोई वजह भी नहीं आपको पता चलती, अगर वजह हो तो वो भी होता है कि इसकी कोई वजह, लेकिन अगर वजह नहीं और आपका मूड जो है ना चेंज हो रहा है तो इसका मतलब भी है कि कोई आपको मिस कर रहा है, कि एक आप पहले से खुश थे और अचानक से आपका उदास महसूस कर रहे हैं, ये टेलीपैथिक निशानी जो आपके मतलब तीसरी निशानी है जो आपके बारे में सोच रहा है वो ये है कि आपके मिजाज में तब्दीली आ रही है। जी ये कुछ मैम जरूरी तो नहीं है कि मतलब कोई ऐसा हो तो मतलब कोई याद कर रहा हो तो ऐसा हो, याद देखें अच्छे बुरे दोनों तरीके से तो हो सकता है, अगर किसी का आपके साथ बॉन्ड बना हुआ है तो ये उन चीज़ों के लिए, और ये ज़रूरी तो ये बताया ना कि अगर आपको बाज़ाहिर कोई वजह नहीं मिल रही अपने मूड चेंज की अभी तो ठीक है, ये बहुत सारी एविडेंस देख के करना है ना, मतलब अगर बाज़ाहिर कोई वजह भी है और फिर आप कहें कि वो नहीं है, ये पहले मेंशन है कि आपकी कोई और वजह नहीं बन रही और फिर आपका मूड जो है ना शिफ्ट हो रहा है, वजह तो आपको साइकोलॉजिस्ट है, और भी कितनी वजह हो सकती हैं ना वो भी देख लेना, उन चीज़ों को भी तो देखना। अब ये देखें ये भी मूड शिफ्ट के बारे में, वो औरत का बताया था ये मर्द का, ताकि ये सवाल ना आए ना कि मर्दों में भी हो सकता है कि औरतों में ही हो सकता है,
अगर आप मूड में तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं जिनकी आम वजूहात से वजाहत नहीं की गई है, तो ये इस बात की अलामत है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सुखी और मगलूब महसूस करें, क्योंकि ये शख्स आपके बारे में मुसलसल सोचता रहा। ये मुमकिन है कि आप गैर मामूली तौर पर थकन महसूस करेंगे। अब देखें कि यहाँ पर ये चीज़ भी है, जैसे इनको मैंने आज कहा था कि ये हमें जब नहीं पता ना, तो ऐसे भी होता है कि हर चीज़ आपकी अपनी नहीं होती, बस चीज़ें आपने सेंस की होती हैं, दूसरे की तरफ से आई होती हैं और बंदे को समझ नहीं लग रहा होता। तो जो भी अगर मूड है तो अगेन आप उसको उसे इमोशन समझ के 12 मिनट के बाद उसे इग्नोर कर दें, और जब हम उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं तो हमारी आदत बनती है। ये उन्होंने कहा कि ये जो मूड शिफ्ट होने वाला है ना, तो एग्जांपल होती है ना, मतलब बेबी की होती है कि मतलब जैसे मदर का मूड ऑफ है तो बेबी का ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। देखिए हालांकि वो बहुत छोटा भी होता है, मंथ में भी हो तो। आपने भी टेलीपैथी का एग्जांपल ले लिया, आगे यही बताया गया। ये देखो पढ़ो इसको। आप जो अगला देखती जा पड़े आप क्या, अब आप टेलीपैथिकली अब सारी चीजें आगे क्या आ रही है आपको समझ आ रही है। लेकिन अचानक आप जी, इसी तरह कोई नेगेटिव सोचता है तो आपके अंदर से वो निचोड़ भी जाते हैं, आपका मूड जो है ना लो भी हो जाता है। In other words, your sudden sadness may be a sign that he is sad because he misses you terribly. अगर आपको उदास हो रही है तो उसका मतलब है कि वो आपकी वजह से काफ़ी उदास है और ये सडन उसको इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। या तो आप बात कर लें या फिर आप समझ जाएंगे दूसरा शख्स जिसके साथ आप अटैचमेंट है या ऐसी चीज़ है तो उसका मूड ऐसा है, वो आपको बहुत याद कर रहा है। अब ये चौथा साइन है ख्वाब में आना मुसलसल। ये देखें इसको उर्दू में पढ़ लें। अच्छा ख्वाब आगे इसमें एक्सप्लेनेशन भी आएगी जी, पढ़े। सिर्फ एहसास, ख्याल, तस्वीर और जज्बात से ज़्यादा हैं जो नींद के दौरान गैर इरादी तौर पर रोनमा होते हैं। ये एक टेलीपैथिक अलामत है कि वो आपको बुरी तरह याद कर रहा है, याद रखे आपका ख्वाब आपके लाशौर दिमाग से ताल्लुक का काम करता है। ये आगे है कि जो फ्राइडियन थ्योरी है उसके तहत जो ख्वाब जो होते हैं अंदरूनी जज्बात और ख्वाहिशात को जार, मतलब रायल रोड है ना, वो ये चीज़ भी है। दरहकीकत फ्राइडियन थ्योरी बताती है कि ख्वाब इंसान के अंदरूनी जज्बात और ख्वाहिशात को जाहिर करते हैं, काफ़ी हद तक सच है। ये ख्वाब इसके गहरे ख्याल के लिए पोर्टल के तौर पर काम करता है, वो दोबारा आपके साथ रहने की ख्वाहिश रखता है। यही वजह है कि आप इसे मुसलसल अपने ख्वाबों में मुसलसल देखते रहते हैं। जी, अब नेक्स्ट ऐसा होगा तो देखिएगा, अगर हो रहा है तो देख लें, अगर नहीं होगा तो आप देखें कि किसी की प्रेजेंस फील होना। ये देखें, ये भी साइन है पांचवा। क्या आप इसकी मदद जी, मैं वो कह रही हूँ मेडिटेशन मैम कर लेता हूँ। मैं भी ये वाला पढ़ लो, फिर मेडिटेशन करते हैं। क्या आप इसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, चाहे वो आपसे बहुत दूर हो, आप अपना दिमाग नहीं खो रहे हैं। एक टेलीपैथिक निशानी है कि वो आपको बहुत याद करता है, इसके पीछे एक वजह ये है कि वो शायद आपको जाहिर करता है। इसका मतलब है कि वो अपनी जानबूझ कर रूहानी तवनाई को एक फुर्सत में लगा रहा है जो कि इस मामले में आपको दोबारा मिलना है।
आपको लगता है कि किसी की प्रेजेंस फील होती है, आपको लगता है कि वो आपके इर्द गिर्द है, कभी उसकी आवाज महसूस करेंगे, उसकी जो है ना फीलिंग महसूस होगा कि जैसे आपके इर्द गिर्द कोई है। कभी अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हुआ तो आपको इस चीज पे गौर कीजिएगा। ये देखो ये लिखा हुआ ना कि आपको लगे कि वो आपके इर्द गिर्द। ये देख लेना, ये थोड़ा सा ये देखो, जब से वो तो होगा ना, जब से आप जब आप किसी के साथ गहरा रिश्ता शेयर करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वो आपके आसपास है, आपके हर काम में। ये तो हर दूसरा लवर एक सोच रहा है मेरे साथ ही तो है वो बंदा, ठीक है वो कम से कम टेलीपैथिक, क्योंकि वो इसके दौरान मुझे कभी नहीं फील हुआ, नहीं हुआ तो बस फिर इसका मतलब समझो रिश्ता क्या था, क्या था था या नहीं, तलक था या नहीं, अगर नहीं फील होता तो मतलब नहीं था, फिर देख लो अभी खुद ही डिसाइड करना है, कहीं तो फील होना तो चाहिए था ना कि वो फील वो। आप ये देखेंगे कि कभी कभी लगता है कि दूसरों की आवाजें आती है ना, कि आपको लगता है कि उसकी किसी जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है या कुछ है तो उनकी आवाजें भी सुनाई देती हैं आपको, कभी ऐसा हुआ है? अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट देखिएगा, लेकिन ये भी साइन है। मैम एक ये चीज होती है कि मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैंने अपने माइंड को ना मतलब कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन ऑटोमेटिकली ये चीज होगी जब मेरा बीएस खत्म हुआ ना तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या करना चाहिए ना, मतलब मुझे करियर को स्टार्ट करना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन सब कुछ आता जाते नहीं था क्योंकि बीएस के बच्चे को तो कुछ सिखाते नहीं है, तो तब मेरे मैं सो भी नहीं पाती थी और मेरे कानों में ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई कह रहा हो ना तुम तो फेलियर हो, तुम तो फेलियर हो, और ये मैं कह नहीं रही, मुझे प्रॉपर आवाजें सुनाई देती थी कि मैं सो नहीं पाती थी। हो सकता है कोई तो मैम ये नेगेटिव सोच है। अब ये देखिए ये कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के मुताबिक 10 में से कम से कम एक शख्स अपने सर के अंदर आवाज सुनता है, लेकिन वो कम सुनता है। हो सकता है कि वो कोई नेगेटिव आपके बारे में सोच रहा हो तो वो इसलिए आपको ऐसी चीजें। चलें ये यहाँ तक हो गया, ये 7 वाला आगे करते हैं और हम मेडिटेशन कर लेते हैं और नेक्स्ट कल। अच्छा एक बात कहनी थी, वैसे इस दफ़ा पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही चल रहा होता था, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा कोई ना कोई मुझे भी काम पड़ रहा, कल शायद अगर मुझे काम पड़ा तो कल किस, क्योंकि हो सकता है मुझे 6:30 जाना पड़े, तो फिर क्या करें, कल किस टाइम करें या परसों करें? मैम कल 3-4 बजे कर लेंगे, कल का वो ये है कि मुझे वैसे तो काम नहीं पड़ रहे होते, लेकिन आजकल सीज़न ऐसा कि मुझे इस वीक में भी कुछ ऐसा काम पड़ गया कि मुझे जाना पड़ेगा, तो हो सकता है ना जाऊँ, अगर ना गई तो फिर तो अपने टाइम पे ही होगा। चलें बाकी भी यस मैम वेडनेसडे, तो ऐसा है कि अगर मैं ना गई ना तो फिर इसी अपने टाइम पे ही होगा 7 बजे। अगर मैं बिजी हो गई ना तो मैं मैसेज आपको कल 4 बजे के टाइम या कल दिन में कंफर्म कर लूंगी, फिर वेडनेसडे को कर लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, अभी बाकी माशाल्लाह ये हम ये करेंगे और इसके बाद अब कोर्स थोड़ा ही रह जाएगा, तो आप लोग मुझे अच्छे अच्छे रिजल्ट बताएं, काम करें, अपने पर ट्रस्ट करें और कार्ड बनाएं और कार्ड के ऊपर भी करें अपने, इधर भी आप एक दूसरे को मैसेज भेजें और देखें अभी आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो सब ने आज ने एक जैसी बात की, तो इसका मतलब है कि सबके माइंड की वेव्स एक दूसरे को जा रही हैं और वैसे भी पहले भी जा रही होती हैं, तो अब तो हम इंटेंशनली जुड़े हुए हैं और पॉजिटिविटी हमारी एक दूसरे के साथ है और पॉजिटिव एक दूसरे के लिए सोचते, तो ट्रस्ट करके ये काम करें और रिजल्ट कोई बड़ा बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट लाएं, और ताकि मज़ा आना शुरू हो जाए कि हर बंदा हर दिन नया कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, तो वो आप ट्राई करें और जो कुछ चाहिए उसके बारे में भी सोचें कि क्या क्या चाहिए और क्या कुछ हो। जिस तरह से कोई आपका काम जी मैम, मैंने आज ना खुद को मैसेज भेज के अपना पेन खत्म किया, मेरे बाजू में बहुत शरीर हो रहा था और खत्म ही नहीं हो रहा, और जस्ट मतलब 1 मिनट या इससे भी कम टाइम में मैंने बस आंखें बंद की और खुद को मैसेज भेजा और मेरा पेन खत्म हो गया। जबरदस्त, तो फिर आपका कितना अच्छा रिजल्ट है ना, अप्रिशिएट करें सारे इनके लिए,
वेल डन, इन्होंने बड़ा अच्छा, देखे ना, यही वो भी करते, जब आपको अपने सब कॉन्शियस के साथ कंट्रोल आ गया, इतना बड़ा टूल है कि फिर तो आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, मैनिफेस्ट करें अपने, जो बंदा खुद को अफर्मेशन दे के, तो आप सर्जरी भी करवा सकते हैं, आप एक साथ पे पेन और ये इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तजर्बे करें, आप इस पेन को मैसेज दें कि आप मेरे लेफ्ट में राइट में शिफ्ट हो जाओ, वो ये आप करेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि अच्छा मैं तो खुद ही अपनी मास्टर बन गई। मैम एक बात, मैं एक बात शेयर करूं, मैं ना मतलब लास्ट मंथ पे मतलब अभी एक साल हुआ होगा ना, तो तब ना मेरा एक प्रपोजल आया था ना हमारे घर में, तो तब ना सारे एग्री थे, सारे बहुत खुश थे ना, तो मैं, मेरे कुछ इंटरनल इशू था ना, तो मैं हैप्पी नहीं थी, पर मुझे ना वो बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत प्यारा था मुझे तो मैम उनको बहुत जल्दी शादी करनी थी, बहुत जल्दी ना, तो मैं तो रेडी नहीं थी, तो मेरे पापा ने इनकार कर दिया कि चलो सही है, हमें कौन सा कमी है, हम बाद में कर लेंगे, आप कर लो, तो मेरी तो फिर स्टडीज भी कंटिन्यू थी, एम फिल का कोई सेकेंड सेमेस्टर था और मुझे पूरा करना था, तो मैं ना हर रात को ये सोचती थी मेरे से शादी होगी, मेरे से शादी होगी, है ना, तो वो मतलब मेरा फैमिली रिलेटिव नहीं है, तो अभी तक उसकी शादी हुई जबरदस्त आप तो काम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं किसी से पूछती हूँ ना, हो गया मतलब ऐसी बातों में किसी से तो पता चल जाना, मैं पूछती हूँ होगी, हम कहते नहीं बात चल रही है, उसकी मम्मा इतने घर में जाती है तो कोई उन्हें पसंद नहीं आती, तो वो नहीं करते ना, कहती एक दो उनको पसंद आई है तो वो अगलो नहीं इनकार करती है कुछ ना कुछ कहते बस, और मैं इतनी होती और जेल जल तो सब देखेंगे और मेरी भाभी कहती है कि तुम्हारी बदबू लेके बैठी है, मैंने कहा अल्लाह माफ करे मुझे तो कोई बदबू नहीं, फिर बस ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होके वापस आएगा, और ये फिर आप सबके साथ शेयर करना कि ये देखें रिजल्ट मेरा मैम इवन एक बंदा होता है ना कनेक्शन में होता है कुछ होता है, मैं तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना मैं कनेक्शन में ना कुछ और, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हाईली कनेक्शन है कोई, मुझे ऐसे फील होता है जैसे कोई मिड का कनेक्शन है जिसने ना मुझे बाइंड करके रखा हुआ है, जो मेरे दिमाग से 2 साल से ना वो सोच खत्म हुई है ना उसका कहीं और हुआ है, बस फिर ये कनेक्शन है, जरूरी तो नहीं है कि वही कनेक्शन हो कि रोज बात हो, कनेक्शन बना हो तो ज़रूरी नहीं है, और ये आप इस पे आप भेजें ना मैसेज, फिर रिजल्ट आए तो हम देखें सारे मैं फिर तो सबको बुला लूंगी हाँ, तो यही तो कह रही हो ना, करो जरा मैसेज भेजो अच्छा सा, और फिर देखते हैं कितने अरसे में, और हम सब अभी इमेजिन करते हैं कि इनका रिजल्ट अच्छा आएगा जो ये भेजेंगी, और आप इंशाल्लाह फिर आप हमें बताएंगी, चलें ठीक है, फिर आप अपने आप को रिलैक्स करें और अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएं, और आज हम जो है ना वो एक ये वाली मेडिटेशन कर लेते हैं उसकी एंगर की, और फिर नेक्स्ट आप रोज़ के रोज़ घर में किया करें प्रैक्टिस, ये क्या हो, अच्छा म्यूज़िक के साथ करें या ऐसे ही कर लें, आप में से कुछ म्यूज़िक कहते हैं कुछ कहते हैं म्यूज़िक ना करो, लाइट सा म्यूज़िक लगा लेती हूँ मैम, लाइट सा लगा दे म्यूज़िक, ठीक है, और ये है एंगर कंट्रोल, तो इंशाल्लाह हम सब के अंदर से ये वाला भी ख़त्म होगा, और आपने जो नूर की बारिश वाली है वो घर पे अब किया करें, मतलब मगरिब के बाद खाली पेट, मतलब खाना खाया उसके कुछ देर बाद करें, ये सारी मैंने साइंस बताई है कि जब खाना खाया होता तो दिमाग की तरफ, पेट की तरफ सारी ब्रेन की सप्लाई, हमारी सप्लाई चली जाती है और दिमाग की तरफ थोड़ी कम हो जाती, तो हमने दिमाग से ही काम करना है जो हमने मेडिटेशन करनी है, तो आप मेडिटेशन सुबह के टाइम भी करें और शाम को भी, और ट्राई करें कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, चाहे योगा करें रिलैक्सेशन करें, जी डॉक्टर शाजी आप कुछ कहना चाह रही हैं,
आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा साइड पे होके बोले। मैम आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही है। आप जबरदस्त, आप बहुत प्यारी आवाज आई है। जज़ाकअल्लाह मैम। नूर की बारिश वाली मेडिटेशन कोई ग्रुप मेंबर शेयर कर दे, ये रिक्वेस्ट है, या आप कर दें और कर दें। नहीं करवाई है, वो सिर्फ ऐसी है कि मैं रिलैक्सेशन करवा के उसके बाद जो इमेजिनेशन के लिए वो बोलती हूँ कि आप इमेजिन करें, तो वो भी जी जो पहले टेलीपैथिक मैंने करवाई हुई है ना, जो मैंने अभी ऊपर की हुई है, अपलोड की हुई है, उनमें कहीं पड़ी होगी। तो ये है कि आप लोग खुद करें, तो कल मैं नूर की ही करवा लूंगी। डन मैम। तो कल मैं वो करवाती हूँ, कल हुई क्लास या परसों ही। तो वैसे जो है ना उसमें भी बस पहले रिलैक्सेशन, क्योंकि वो पीएमआर का बोलती हूँ, जिस तरह पूरी बॉडी रिलैक्स की और आपको इमेजिनेशन के लिए छोड़ दिया, बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए यही है कि आप इमेजिन करें कि थोड़ी बारिश हो रही, वो फिर वो थोड़ा विजुलाइज करवाती हूँ। तो उसके बाद जो है ना वो अगर एक दफ़ा मैं जब यहाँ करा लूँगी ना, तो अगर आपकी वो बनना शुरू हो गई ना कि आपको नूर नज़र आ गया ना, बस फिर सब कुछ हो गया। और उस पर करें कोशिश कि आप सारों को नजर आए, तो कल वही होगी। आज ये जरा एंगर की कर लेते हैं, तो पानी पी लें, रिलैक्स करके अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, बैक स्ट्रेट रहे। तो आज हम जो करेंगे वो हम गुस्से को कंट्रोल करना। सबसे पहले 3 लंबे गहरे सांस लें। बहुत बढ़िया। अपना सारा ध्यान स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर बनाए रखिए। आपने थोड़ी देर के लिए फोकस करना, ताकि फोकस के बाद जो है ना आपकी आंखें बंद होंगी और महसूस करें अपनी सांसों को अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। हर एक सांस जो आपके जिस्म में के अंदर आ रही है वो रिलैक्सेशन और ज़्यादा कंफर्ट को भर रही है। सांस जो आपके जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन और सारा डिस्कम बाहर फेंक रही है। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे ही वैसे आपकी आंखों को खुला रखना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। मैं 5 से लेके 0 तक गिनूंगी और जब मैं 0 बोलूंगी आप अपनी आंखें बंद करेंगे और हिप्नोसिस के गहरे ट्रांस में चले जाएंगे। तो मैं गिनती शुरू करती हूँ। 5 4 3 2 1 0। आंखें बंद हैं और आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। आप इस समय बहुत कंफर्टेबल और बहुत रिलैक्स्ड हैं। डीप रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखिए और महसूस करें अपने जिस्म के अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। बहुत बढ़िया। हर सांस आपके जिस्म के अंदर और ज़्यादा कंफर्टेबल रिलैक्सेशन को भर रही है और हर एक सांस जो आपके जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन सारा डिस्कम्फर्ट दूर कर रही है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब मैं 1 से लेके 3 तक गिनूंगी। आप अपने आप को एक स्टेयर केज पर खड़ा हुआ इमेजिन कर पाएंगे। 1 2 3। आप एक स्टेयर केज के ऊपर खड़े हैं और सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। इस समय स्टेयर केज में टोटल 20 स्टेप हैं। मैं 1 से लेके 20 तक गिनूंगी।
और आप इस में एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। हर कदम आपके जिस्म में रिलैक्सेशन और कंफर्ट तो भरेगा ही, साथ ही साथ हिप्नोसिस के गहरे रिलैक्सेशन के गहरे ट्रांस में ले जाएगा और सुकून में चले जाएंगे। अब मैं गिनती शुरू करती हूँ। मेरे एक बोलने पे आप अपनी राइट लेग आगे को रखें, 1, 2। अब अपना लेफ्ट लेग आगे रखें। अब इस तरह से आप एक एक कदम के, मेरी एक एक काउंटिंग के साथ आप अपना एक एक कदम आगे को बढ़ाएं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस समय आप स्ट्रेयर क्रॉस करके नीचे आ गए हैं और आपका जिस्म बहुत हद तक उम्दा और कंफर्टेबल महसूस कर रहा है और सुकून की बहुत गहराई गहरी हालत में है और गहरे रिलैक्सेशन को महसूस कर रहा है। आप इंजॉय कर रहे हैं हिप्नोटिक के गहरे ट्रांस को और इस गहरे रिलैक्सेशन को। बहुत बढ़िया। अब मैं 1 से लेके 3 तक गिनूंगी और आप अपने आप को एक बहुत बढ़िया घास के मैदान में खड़ा पाएंगे, 1, 2, 3। इमेजिन करें आप एक बहुत बड़े घास के मैदान में हैं और इस घास के मैदान को देख रहे हैं। अगर आपने पांव में कोई चप्पल या जूते पहन रखे हैं तो उतार दीजिए, क्योंकि हम घास के मैदान में तो हमने अपने पैरों को घास का ठंडापन महसूस करने दें। और अगर हल्का फुल्का आगे पीछे चलना है या चलना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं, क्योंकि आप खाली घास के मैदान में हैं। और इस घास पे आप जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको और ज़्यादा सुकून के गहरे ट्रांस में ले जाएगा और आप ज़्यादा आपके जिस्म को रिलैक्स और कंफर्टेबल बनाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको खाली घास का मैदान ही दिखाई देता है। क्योंकि ये आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये आपका प्राइवेट घास का मैदान है। वेरी नाइस। बहुत ही साफ सुथरी हवा है वहाँ। ठंडी ठंडी हवा में घास की अलग ही एक महक है जो आप सूंघ पा रहे हैं। घास की खुशबू आ रही है आपको। बहुत बढ़िया। अब उस घास के मैदान के बीच में थोड़ा आप चल रहे हैं।
आपको आगे जाकर एक बरकत का पेड़ दिखाई दे रहा है। आप जाएं इस बरकत के पेड़ के पास खड़े हो जाएं। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत बरकत का पेड़, साफ़ सुथरे इसके पत्ते हैं, साफ़ सुथरी इसकी डाली है, बहुत ही बड़ा पेड़ है। ये बरकत की पेड़ की बहुत अहमियत रही है माजी में। बड़े बड़े गुरु मुर्शिदों ने इस पेड़ के नीचे बैठकर मराकबे किए हैं, तपस्या की है। आज हम भी इस बरकत के पेड़ के नीचे उसका फ़ायदा उठाएंगे। आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथ बरकत के पेड़ के ऊपर रख दें और अपने पूरे जिस्म को भर दें। और उस हिफाजती कवर की तरह जो पूरे जिस्म को कवर करेगा और महफूज करेगा। जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट्स का नाम लूंगी, वैसे वैसे आपने महसूस करना है कि ये हिफाजती कवर आपके जिस्म में बन रहा है। ये हिफाजती कवर आपके जिस्म में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस को भरेगा और सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले इस बरकत के पेड़ को छुआ है। फिर प्रोटेक्टिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से बनना शुरू हो गई। तो इमेजिन करें वो पॉजिटिविटी और वो पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस आपकी उंगलियों से बनती हुई आपकी कलाइयों तक आपके दोनों हाथों को अच्छे से कवर अप कर चुकी है। वहाँ से किसी किस्म की नेगेटिविटी और किसी किस्म की भी के डर को ख़त्म करके वहाँ पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस को भर रहा है। बहुत बढ़िया। कलाई से होते हुए वो एनर्जी आपके फोर आर्म को कवर कर रही है। फोर आर्म से होते हुए आपकी कूनी तक आपके दोनों हाथ अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं। और वहाँ से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। आपकी कूनी से होते हुए ये पॉजिटिव एनर्जी आपके बाइसिप्स, आपके ट्राइसिप्स, आपके कंधों को कवर अप कर चुका है। और इस समय आपकी उंगलियों को भी अच्छे से कवर कर लिया है। आपकी उंगलियों से लेके आपके कंधों तक अच्छे से पॉजिटिविटी से कवर अप हो चुके हैं। और यहाँ से हर एक की, यहाँ के हर हिस्से की एक नेगेटिविटी को और यहाँ के हर एलिमेंट से नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। आपके दोनों कंधे इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं कम्प्लीटली। आपके कंधे हर एक नेगेटिव एलिमेंट्स को, एक भारीपन को, एक बोझ को आपके कंधों से हटाकर वहाँ पर रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को भर दिया है। महसूस करें आप अपने इस हल्केपन को अपने ऊपर, महसूस करें इस कंफर्ट को अपने कंधे पर। बहुत बढ़िया। कंधों से होते हुए ये पॉजिटिव एनर्जी आपके गले की तरफ जा रही है, साथ ही साथ आपकी गर्दन को भी अच्छे से कवर अप कर रही है। वहाँ से भी
हर तरह की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को और कॉन्फिडेंस को भर दिया है। वेरी नाइस। अब वो एनर्जी ऊपर की ओर की तरफ जा रही है, आपकी चिन, आपके होंठ, आपकी नाक, आपके गाल, आपके कान, आपकी आंखें, आपका माथा। इस तरह आपके पीछे की तरफ से वो सारी एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है और आपके ऊपर टॉप ऑफ हेड, इसमें पॉजिटिव एनर्जी ने आपके मुंह को आगे से और पीछे से अच्छे से कवर अप कर दिया है और हर एक जगह से किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर दिया है और वहाँ पर पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे मुंह पर। एक्सेलेंट। अब ये पॉजिटिव एनर्जी आपके कंधों से नीचे की तरफ उतर रही है, आपकी छाती, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपका पेट अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहाँ से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को उस एलिमेंट से, किसी किस्म के नेगेटिव हिस्से को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। वेरी नाइस। अब पेट से होते हुए जो आपका नेवल एरिया है उसको भी पॉजिटिव एनर्जी से कवर अप कर दिया है और वहाँ से सारी नेगेटिविटी और सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। बस इस समय आपको आपकी नेवल अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी से कवर अप हो चुकी है और वहाँ से सारे का सारा नेगेटिविटी और नेगेटिव को ख़त्म करके वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया। अब आप नेवल से होते हुए वो पॉजिटिव एनर्जी आपके सेक्स ऑर्गन को भी कवर अप कर चुकी है, वहाँ से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन को भर दिया है। वेरी नाइस। इसके साथ आपकी थाई, लेग्स अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहाँ पर भी नेगेटिविटी को ख़त्म करके रिलैक्सेशन को, कंफर्ट्स को और कॉन्फिडेंस को भर दिया है। बहुत बढ़िया। थाई से होते हुए आप नीज, आपके नीज को भी अच्छी तरह से कवर अप कर दिया है। घुटनों से होते हुए आपके काफ और काफ से होते हुए आपके एंकल तक दोनों पांव अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी के कवर में कवर अप हो चुके हैं। वहाँ से हर किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया। आपके पांव की उंगलियों तक अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं। इस समय आपकी पूरी बॉडी अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुकी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके उसमें पॉजिटिविटी को भर दिया है, उस रिलैक्सेशन को भर दिया है और कंफर्ट को भर दिया है। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को, महसूस करें इस पॉजिटिविटी को अपने पूरे जिस्म में। फील करें इस कंफर्ट को
अपने पूरे जिस्म में इस पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस कॉन्फिडेंस को, इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को, इस कंफर्ट को। बहुत बढ़िया, अब आप उस बरकत के पेड़ से हाथ हटा सकते हैं। उस बरकत के पेड़ ने जो पॉजिटिविटी देनी थी दे दी है, जो कॉन्फिडेंस देना था दे दिया है, और अब ये लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। और आप लोग फिर से आगे चलें थोड़ा और, और इस पार्क में उस घास के खुले मैदान में थोड़ा सा और आगे चलने से एक छोटा सा कमरा बना है। इस मैदान के बीचों बीच इस कमरे के अंदर जाएं। बहुत बढ़िया, इस कमरे के अंदर खुलते ही सामने आप अपना आप ही देख रहे हैं। मानो के कोई रूपदार है, ये एक बहरूपिया बिल्कुल आपकी तरह ही दिखाई देता है। आपका और आपका एक कनेक्शन है, इसका और आपका एक कनेक्शन है। एक पतली सी डोरी है जो आपकी नाभि नेवल से आपकी उसकी नेवल से आपकी नेवल पे से जुड़ी हुई है। एक पतली सी डोरी है जो आपकी नाभि से, वो जो बहरूपिया है जो इस कमरे के अंदर आपने देखा बिल्कुल आप जैसा, उसके साथ इसकी आपकी एक डोरी से जुड़ी है। ये जो आप बहरूपिया देख रहे हैं, ये आपका गुस्सा है, ये आपका एंगर है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि गुस्सा हमारी ताकत है, ये हमारा हथियार है, लेकिन गुस्सा हमारी ताकत नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। और ये हमें कमजोर कर देती है। और ये हमारी कमजोरी से फायदा उठाया कर ये बहरूपिया दुनिया में इतना बड़ा गलत करवा देता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हमें हमेशा कमज़ोर पर आता है, अपने ताकतवर पर नहीं आता। और ये बात इस बहरूपिये को अच्छे से पता है, इसलिए जब आपसे कोई ताकतवर इंसान आपके सामने होता है तो तब ये आराम से बैठा रहता है, लेकिन जब आपसे कमज़ोर आपके सामने आता है तो तब ये अपना फुल पावर रवैया दिखाता है, फुल पूरा रवैया दिखाता है, जिससे आपको नुकसान पहुंचता है कि आप आपकी ये नुकसान पहुंचाता आपकी साख्त को और आपकी पहचान को और आपके जीवन पर जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। आज अपनी इस कमजोरी को अपने जिस्म से बिल्कुल अलग कर दें, अपने तन से, अपने मन से इस तरह इसको, इसका कनेक्शन बिल्कुल काट कर अलग कर दें, कर देंगे। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए गुस्से की नहीं यकीन की ज़रूरत है, और इस नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है जो आपके साथ बनी रहेगी। गुस्सा कमज़ोर इंसान की निशानी है, आप कमज़ोर इंसान नहीं हैं, आप एक ताकतवर इंसान हैं, आप ताकतवर हैं, आप पहलवान हैं, और पहलवान को कमज़ोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आज इस बहरूपिये से अपना
कनेक्शन बिल्कुल काट देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर दें और अच्छी ज़िंदगी और इसे अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक देंगे। जिस कमरे में आप इस समय हैं वहाँ पर साइड पर एक छोटा सा टेबल है और टेबल के ऊपर एक कैंची रखी हुई है। उस कैंची को उठाएं और उस डोरी को अपनी नाभि के पास से काट दें, अलग कर दें, इस कनेक्शन को काट दें, इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि इस बैरूपिये की ताकत आपकी कमज़ोरी है और आप कमज़ोर नहीं हैं। इस कमज़ोरी को हमने ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है। कनेक्शन कटते ही आप देखें वो बैरूपिया आसमान में वो छोटा होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है, क्योंकि जहाँ से उसको एनर्जी मिलती थी वो आपने काट दिया है, ख़त्म कर दिया है। आप एक पहलवान हैं, आप अपने आप पर भरोसा करने वाले आदमी हैं और आप पर हर सिचुएशन को एनर्जेटिक से देखते हैं, हर सिचुएशन को आप अच्छे से लॉजिकली डील करते हैं। मैं एक से तीन तक गिनूंगी, मेरे एक से तीन गिनने तक ये पैगाम आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाएगा। आपके मन में ये पैगाम रजिस्टर हो जाएगा कि आप प्रेम प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, आप एक बहादुर हैं और ख़ुद पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। आप खुद को खुश रखना पसंद करते हैं, आपको हंसना पसंद है। 1, 2, 3 ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गया है। आप एक कॉन्फिडेंट, खुद पर भरोसा करने वाले पहलवान, ताकतवर और पॉजिटिव इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं और इसी के साथ अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और ये लॉजिक आपका वेपन है, आपका हथियार है, आपकी ग्रोथ है, आपके सीक्रेट्स हैं। इस समय आपका जिस्म बहुत ही हल्का, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा है। गुस्से ने आपके जिस्म को कमज़ोर बना रखा था। और ये कनेक्शन अब कटते ही आप एकदम से ताकतवर और हल्का महसूस कर रहे हैं और ऐसे ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया, आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत रिलैक्स, बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही पीसफुल माइंड के इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को बड़े लॉजिकली और पीसफुली डील करते हैं, आप बहुत खुश रहना पसंद करते हैं, आप हंसना पसंद करते हैं। अब मैं 0 से 5 तक गिनूंगी और मैं 5 बोलूंगी, आप अपनी आंखें खोलेंगे और हिप्नोसिस के इस ट्रांस से बाहर आएंगे। आंखें खोलने के बाद भी जो मैसेज आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर करवाया है वो वहीं पे लॉन्ग लाइफ आपके साथ बना रहेगा, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा और आपका काम करता रहेगा। मैं गिनती शुरू करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप एक बहुत ताकतवर, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को लॉजिक के साथ हैंडल करते हैं और खुशी फैलाते हैं। खुश रहना आपको बहुत पसंद है। एक्सीलेंट। अब आप आराम से आहिस्ता से अपनी आंखों पे हाथ लेके जाएं, एक से लेके तीन गिन के आहिस्ता से आंखें खोल लें। बहुत खूब। और पानी का गिलास रखा करें, पहले भी एक गिलास पानी पी लिया करें और एक गिलास पानी बाद में पिया करें। और कैसा लगा अभी आप लोगों का टाइम भी काफ़ी हो गया आज, मुझे भी बच्चे बार बार आके कह रहे हैं। शेयर करें कैसा लगा, रिलैक्सेशन फील हुई, कुछ कनेक्शन कटा, इमेज बना, कट के कनेक्शन आसमान की तरफ ख़त्म हो गया, छोटा होके हुआ जी मैम, ऐसे ही हुआ। बस इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रहा, बार बार भी कीजिएगा। आपको लगता नींद आ रही है मुझे आपकी आवाज़ से जी ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। चले इंशाल्लाह, बाकियों को कैसा लगा और ज़रूरत हुई तो इसकी भी जो है ना, ये भी मैं हम सब इकट्ठा करूँगी, तो जो जितनी गाइडेड है ना वो सारी आपको फिर करेंगे, और आप बार बार करें भी, और ज़रूरत है जिस गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत है वो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि 21 दिन करेंगे तो और काम होगा। जिसका जितने जल्दी काम करता है, जिसका एक दिन में ही काम हो गया ठीक है, नहीं है तो फिर दोबारा भी सुने, 2-3 बार सुने, जितने बार सुनेंगे ये काम होगा, काम करेगा। मैम मुझे ना अक्सर मेडिटेशन में नींद आ जाती है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है मैम, मेरे साथ भी ये मसला हो रहा है मैम, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद वो चीज इतनी इफेक्टिव नहीं होती है क्या। अब मैं इनर चाइल्ड हीलिंग कर रही हूँ ना, तो उसमें मैं थोड़ी सी जागती हूँ फिर मुझे नींद आ जाती है, और दूसरी वाली भी मैं कह रही हूँ, मतलब मैं ये कर रही हूँ पहले इनर चाइल्ड करती हूँ फिर वो दूसरी करती हूँ, जो आपने पिछली गाय दी, ये दोनों मैं आजकल कर रही हूँ। इनर चाइल्ड में तो मुझे नींद आ जाती है, इनर चाइल्ड में सबको आती है, मैंने कहा मैं खुद भी कर रही हूँ और मुझे भी आ जाती थी अपनी उसमें। अच्छा ये है कि ये सबकॉन्शियस तो जाग रहा है ना, अफर्मेशन जा रही है और ये काम हो रहा है, और सो जाना ये कॉन्शियस स्लीप है, और ये भी अच्छी बात है, ये हीलिंग हो रही है। तो जो हम सो जाते हैं ना तो ये भी डेल्टा को छू लेते हैं, और आपको वो जो फ्रीक्वेंसी वाली स्लाइड दी थी ना, तो ये तो अच्छी बात है कि बंदा नींद वाली स्टेज आप इस वक्त ले लेते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, और इसका मतलब है कि हीलिंग हो रही है, अंदर से सारी प्योरिटी हो रही है, तो अच्छी, ये अच्छा साइन है। नींद आई है। एक चीज अभी मेरे साथ हुई है, ये है कि मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, मतलब मुझे बहुत ऐसी 2-3 चीजें होंगी जिनसे मुझे गुस्सा आता है। अभी मैंने कनेक्शन तो मतलब वो काट दिया, मायने मेरी ऐसी कुछ चीजें किस्म की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कनेक्शन काट दिया। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि बॉडी जो है ना वो बिल्कुल लाइट वेट होगी, लेकिन मुझे बोझ फील हो रहा था एक टांग के ऊपर, एक तो ऐसे लग रहा था कि टांग है ही नहीं, और दूसरी के ऊपर ना बहुत बोझ महसूस हो रहा था। वो जो है ना, ये आप तो गहराई स्टेज में है ना, वो जो मेडिटेशन करते हुए कि बिल्कुल आपकी बॉडी, आपको लगता ही नहीं कि बॉडी है, वो रिलैक्स है ना, माइंड सिर्फ जाग रहा है, बॉडी आपकी टोटली रिलैक्स, कॉन्शियस स्लीप है, आप कॉन्शियस स्लीप ले रहे मेडिटेशन में, तो आपकी वो स्टेज आ रही है, ये मेडिटेशन की स्टेजेस आ रही है, ये अच्छी बात है। माइंड तो रिलैक्स था ना, बॉडी तो नहीं थी, माइंड रिलैक्स था ना। हाँ माइंड रिलैक्स बस यही चीज है, माइंड रिलैक्स है, बाकी तो वो स्टेजेस आ रही हैं कि कभी आप मेडिटेशन में हैं तो आपको बॉडी फील हो रही है, जब एक स्टेज आती है बॉडी नहीं फील हो रही है, हूँ ही नहीं, लाइट हूँ, तो ये वो आप हो, आपका माइंड जो ना बीन एक्सरसाइजेस के साथ मेडिटेशन में जो एक दफ़ा एक स्टेज आएगी कि बस आपको एक पता ही नहीं होगा मैं कहाँ कहाँ फ्लोट कर रही हूँ, क्या क्या थॉट्स आ रही हैं, क्या चीज़ें, वो आस्ते आस्ते आएंगी। जी रेला, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैम, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि इनर चाइल्ड वाली जब मैंने स्टार्ट की थी सुनना, उसमें मुझे भी नींद आ जाती थी, काफी दिन गुजर गए थे कि फिर मैंने एक दिन दिन में बैठ के वो लगाई कि आखिर मैं प्रॉपर सुनूं इसमें आगे क्या आप बोल रही है ना, आगे क्या है, वो बस 10 मिनट
हार्डली 10 मिनट उसके बाद आप सो जाते हैं। वो आज भी मेरे साथ ऐसे है कि अगर मैं अभी कभी सुनू ना तो उसमें वाकई कोई जादू है, वो तो बिल्कुल जादू की तरह ही असर करती है। और जब आप सुबह उठते हैं तो इतनी प्लेजेंट सुबह होती है और आप ऐसा फील करते हैं जैसे आप कोई नए पैदा हुए हैं दुनिया में, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो ब्रेकफास्ट का जो मजा आता है ना उसके बाद, वो अपना ही मजा होता है। वो जो इनर ट्रामा वगैरह है ना तो वो खत्म हो रहे हैं ना इस इनर चाइल्ड हीलिंग के साथ ना, तो ये कह रही है कि मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये कह रही है कि मैंने तो, इन्होंने पूरे 21 दिन पूरे किए। जी मैंने 21 डेज पूरे किए हैं और मुझे तो ख्वाब आना भी बंद हो गए थे। ये कह रही है बड़ा लाइट हो जाता है, वो बस चीजें हमारी खत्म होती है ना अंदर से। एक्चुअली हमारे अंदर बहुत कुछ जमा हुआ था ना, जो 3 ही होते हैं हमारे एक्सपीरियंस, एजुकेशन और एनवायरनमेंट से जो चीज़ें ली होती हैं, तो वो कुछ चीज़ें हर्ट भी हुई होती हैं तो वो सारी आहिस्ता आहिस्ता वो धुल रही होती है ना, तो इस वजह से रिलैक्स होते हैं। तो करें बस अपने अपने ऑन पे, और फिर अपने अपना दिमाग है, अपनी स्किल है, अपना सब कुछ है, इन्जॉय करें। बस मैं तो आपको एक सिस्टम के तहत बताया और आपको एक सारा प्रॉपर वे आपको पता चल गया है क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है। बाकी तो सारी चीज़ें आपका अपना पोटेंशियल है, आपकी अपनी एनर्जी है, अपने आप को पता है कि अल्लाह ताला ने हर एक को इतना लामहदूद सलाहियतों से नवाजा है। तो कोई एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं, तो आप सब ये सब कुछ कर सकते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करें और काम करें बस। मैम आपकी इस बात में ना बहुत गहराई है कि कोई एक कर सकता है सब कर सकते हैं। अगर इस पे गौर फिक्र किया जाए ना इस जुमले पे, तो ये जितने भी अभी यहाँ मौजूद है ना ये सब कुछ कर सकते हैं। ये कह दिया ना मैंने, ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है तो सारे कर सकते हैं। आप सब के पास अपना पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर ये यकीन की ताकत लाएं कि आपके अंदर है और आप कर सकते हैं। जिस दिन आपको यकीन आ गया कि ये सब आपके अंदर है और आप कर सकते हैं, आप वो चेंजेस लाएं कि वो आपको पर्पस पता चल जाएगा कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया था वो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचे, आपने वो मकसद पूरा किया दुनिया में, और ऐसा होगा। चलें आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियां बांटें, आसानियां बांटें, मुझे भी दुआओं में याद रखिए और अपने इर्द गिर्द आसानियां फैलाएं। तो इंशाल्लाह कल मैं दिन में बता दूंगी कि अगर मैं बिज़ी हुई तो फिर वेनसडे को, नहीं तो कल। और अब जैसे जैसे देखें कोर्स कवर हो रहा है, मेडिटेशंस भी सारी कवर हो रही हैं, प्रैक्टिस करें और फिर हमने एक दूसरे को गुड बाय कहना, नया कोर्स शुरू करना। तो इसके लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि एक दो क्या पता अभी कितनी 2 क्लासेज होंगी और कितनी होंगी, जब तक चल रहे हैं तो कनेक्शन तो आपके साथ बना हुआ और रहेगा, मेरी पॉजिटिव एनर्जी जाती रहेगी। और डेफिनेटली मुझे होप है कि आप लोग भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहेंगे, हम एक अच्छे एक दूसरे के लिए जब भी थॉट्स आएंगी तो पॉजिटिव आएंगी, ताकि हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी भेजें। मैं तो भेजती हूँ और अभी भी भेज रही हूँ, हर टाइम पॉजिटिव रहती हूँ। और फिर भी आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप अपने इर्द गिर्द भी भेजेंगे, ऐसा ही है ना। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। और अपनी इस आप भी दुआ में याद रखिए जी, जरूर। और जो भी हम सीख रहे हैं उसको पॉजिटिव पर्पस में यूज करेंगे जी। इंशाल्लाह आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? बस इंशाल्लाह मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। मैं आज तो बहुत, मैं आपसे टाइम लेके बात करूंगी, 5-10 मिनट किसी दिन, नॉट टुडे। जिस आपका बहुत बिजी दिन गुजरा, आप बहुत टाइम देती हैं। चलें आप बताइएगा, पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर। कुछ वही चीज़ है कि हम एक दूसरे को आसानियाँ फैलाएंगे, एक दूसरे को चीज़ें देंगे, तो दुनिया में हम हैं ही इसलिए, क्योंकि हम ऐसे हैं ही नहीं। कुछ चीज़ें हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, दरख्त हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो जब हम ये सोचें, जो इनकलकेट कर लेंगे ना अपने अंदर, तो फिर हम ज़रूर देने वाले हो जाएंगे कि हम दें, ऑटोमेटिकली हमें वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सोच रखें, और बस लड़ने और बदला लेने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, अगर हम इकट्ठे हुए हैं तो हम ज़रा कुछ हट के मुस्बत ही करें तो हमें मुस्बत मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।